Assalamu alaikum. Welcome to the short video series of CSS exam preparation. मेरा नाम फराज खान है और इस वीडियो सीरीज को बनाने का मकसद उन तमाम कैंडिडेट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना है जो अपनी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं. इस पूरी वीडियो सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम CSS के एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूँ जो की रोल प्ले करते हैं CSS के क्वालिफिकेशन में. लेकिन इन द स्टार्ट फर्स्ट पार्ट में ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है फर्स्ट पार्ट जिनको CSS के बारे में अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. मतलब कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यही समझते हैं कि ये एक MCQ टेस्ट है, लाइक 100 MCQs आपने अटेम्प्ट किए और एग्जाम खत्म. तो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है. आगे डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि CSS एक्चुअली है क्या. तो CSS बेसिकली एक ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है जो FKSC कंडक्ट करती है. और ग्रेजुएट लेवल मतलब हर वो कैंडिडेट जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मींस 14 टू 16 इयर्स की एजुकेशन है मिनिमम, वो इसमें अप्लाई कर सकता है और क्वालिफाई कर सकता है. FKSC आपको 3 अटेम्प्ट्स ऑफर करती है, मतलब आप 3 दफ़ा इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं. और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स का है, मतलब आप 30 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं. ये एग्जाम FKSC कंडक्ट करता है आप और आपको ऑफर करता है 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें आप सर्व करते हैं. मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपकी एलोकेशन होती है आपके मार्क्स के हिसाब से अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो. और इस कमीशन एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि वो कैंडिडेट्स टेस्ट क्वालिफाई करके ऊपर आएँ जो एक नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एनालिटिकल अप्रोच रखने वाले हैं और हर एस्पेक्ट से वो परफेक्ट हैं इस सर्विस को सर्व करने के लिए. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है CSS एग्ज़ाम के हवाले से वो रियलिटी फेस करना है, क्योंकि रियलिटी कोई बताता नहीं है और फिर अल्टीमेटली वो मिथ्स में कन्वर्ट हो जाती है सिचुएशन. तो मैंने यहाँ पे कुछ मिथ्स और रियलिटीज़ को डिस्कस करूँगा ताकि पता चल सके CSS है क्या, कौन इसको क्वालिफाई करता है और कौन इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता. तो सबसे पहले मिथ तो ये है कि यू नीड हायर ग्रेड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब के लिए लोग कहते हैं कि CSS उन लोगों के लिए है, उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं अपने पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक एवरेज कैंडिडेट CSS क्वालिफाई कर सकता है अगर वो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस और फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन करे. तो हर वो कैंडिडेट जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करेगा वो ये क्वालिफाई कर लेगा. दूसरे में थे कि भाई लोग कहते हैं कि आपको कम से कम 2 साल लगेंगे प्रिपरेशन में, 3 साल लगेंगे या कम से कम 1 साल लगेगा. तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, अगर आप सही ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 to 8 months आर इनफ, नॉट मोर देन दैट. तो एक एवरेज कैंडिडेट के लिए 6 to 8 months काफ़ी है, लेकिन अगर आप फिर भी सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो मैक्सिमम 1 ईयर. उसके बाद लो स्कोरिंग वर्सेस हाई स्कोरिंग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैंडिडेट्स को अपने ट्रैक से डेविएट कर देता है और वो डेविएट होकर अपना लॉस करते हैं. लो स्कोरिंग वर्सेस हाई स्कोरिंग, जाहिर सी बात है मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ. लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन में इतनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से कि वो स्कोर तो क्या एक पेपर ही फेल कर देते हैं. तो सबसे बेस्ट टेक्निक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तो ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ना कि वो जो ट्रेंड चल रहा हो, क्योंकि ट्रेंड का FKSC ने गेम ख़त्म कर दिया है. उसके बाद एक ये फेयर होता है कैंडिडेट्स में कि सिर्फ 3 अटैम्प्ट हैं और इस फेयर में वो अटैम्प्ट ही नहीं देते और टाइम वेस्ट करते रहते हैं. अगर आपके पास टाइम है, मतलब कि अगर आपकी एज 24-25 है तो आप इजीली रिस्क ले सकते हैं अटेम्प्ट्स का.
लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट ही अटेम्प्ट दे दें। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आप इजीली अटेम्प्ट दे सकते हैं बगैर किसी खौफ के, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रेशर, वो टेक्निक्स क्या होती हैं जो एग्ज़ाम में आपको पास करवाती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो फेलियर है वो मैनेजमेंट फेलियर है। आप चाहे कितने ही आपने बुक्स का रट्टा मारा हुआ, या आपने कितने ही आर्टिकल्स पढ़े हों, कितनी आपने ऐसे राइटिंग की हो, अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप कभी भी सीएसएस का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर के अंदर मैनेजमेंट सिर्फ जब ही होगी जब आपकी मैनेजमेंट प्रिपरेशन के अंदर होगी। तो टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन मैनेजमेंट इज़ द की एलिमेंट फॉर सीएसएस। उसके बाद इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो टफ है, लेकिन ये भी एक मिथ है कि लोग इसको एक भूत की तरह कंसिडर करते हैं कि ये सब्जेक्ट तो फेल करेगा। ऐसा भी नहीं है, सिर्फ वो फेल होते हैं कैंडिडेट्स जो प्रॉपर गाइडेंस और अप्रोच नहीं रखते इस ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करने की। सीएसएस में ऐसे राइटिंग की एक बहुत ज़्यादा खास टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो अगर आप करें तो आपका पेपर फेल नहीं होगा। वो क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात से दिमाग निकालें कि ऐसे का पेपर लाजमी फेल होता है, ऐसा नहीं होता। एक मिथ ये भी है कि लोग कहते हैं कि भाई आप पास पेपर्स की तैयारी कर लो, मतलब लास्ट 10 ईयर्स की, लास्ट 20 ईयर्स की आपने पेपर्स की तैयारी कर ली तो आप ये क्वालिफाई कर लोगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और वो उस टाइम के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से होते हैं, लेकिन 2016 में अब सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो पास्ट पेपर्स की भी आप तैयारी करें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन बुक्स की जो एक्सटेंसिव स्टडी है वो पास्ट पेपर्स उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो डिपेंड ना करें पास्ट पेपर्स पे, आप बुक्स की तरफ जाएं और वहाँ जो एक्सटेंसिव स्टडी होगी वही आपको पेपर्स पास करवाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है सीएसएस का। एग्जाम पैटर्न दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका रिटन और दूसरा होता है इसका साइकोलॉजिकल या इंटरव्यू। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इसका। टोटल मार्क्स सीएसएस एग्जाम के 1500 होते हैं, 1500 मार्क्स, इसमें 1200 मार्क्स रिटन के लिए होते हैं और 300 मार्क्स इंटरव्यू या साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। अब ये 1200 मार्क्स में ये एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके क्वालिफिकेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये 1200 जो मार्क्स हैं ये ब्रेक होते हैं दो पार्ट्स में, 600 फॉर कंपल्सरी एंड 600 फॉर ऑप्शनल्स। 600 मार्क्स से जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। इसी तरह 6 सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करने होते हैं, जिसका कलेक्टिव स्कोर 600 है, और इसी तरह ये दोनों 600 मिलकर एक कलेक्टिव स्कोर बनाते हैं 1200 मार्क्स का। उसके बाद 300 मार्क्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसमें आपका इंटरव्यू और IQ टेस्ट होता है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब रिटन एग्जाम किस तरीके से होता है। रिटन एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया कि 1200 मार्क्स का होता है और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो आपके 12 पेपर्स होंगे, 6 कंपलसरी एंड 6 ऑप्शनल। अब पासिंग क्राइटेरिया जो है वो दोनों कंपलसरी और ऑप्शनल्स का अलग अलग है। अब पहले हम पेपर पैटर्न देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। जो सीएसएस का जो पेपर है उसमें MCQs भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। 20% आपके, मतलब 20 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं, और 80% मीन्स 80 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने हैं, यानी 40 आउट ऑफ 100 फॉर ईच सब्जेक्ट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको 33 मार्क्स लेने हैं, मीन्स 33 आउट ऑफ 100 फॉर ईच सब्जेक्ट, और एग्रीगेट 50% होना चाहिए आपको। मतलब कि जो 1200 मार्क्स हैं आपके, इसमें से 600 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ले लिए कंपलसरी में और 33 मार्क्स ले लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, लेकिन इनका कलेक्टिव स्कोर 600 नहीं हो रहा, तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे। तो लाजमी है कि आपका एग्रीगेट स्कोर 50% मीन 600 आउट ऑफ 1200 होना चाहिए। ये मैंने एक सैम्पल पेपर ऐड किया है पेपर पैटर्न समझाने के लिए। ये एक पास्ट पेपर है सीएसएस 2016 का पाकिस्तान अफेयर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पार्ट टू है। पार्ट वन में आपके 20 MCQs होते हैं और पार्ट टू में ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 20 मार्क्स का, तो इस तरह इसका स्कोर हो जाता है 80 और 20 मार्क्स के MCQs। तो ये आपका एक पेपर 100 मार्क्स का इस तरह कंप्लीट होता है। इसी तरह आपके सारे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, पैटर्न सबका एक जैसा होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये एग्जाम 300 मार्क्स का होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका IQ टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे आर्म फोर्सेस में या ISSB में आपके क्वेश्चंस होते हैं। और जो इंटरव्यू होता है वो FPSC का पैनल कंडक्ट करता है, जिसमें आप अपियर होते हैं और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। इसका क्राइटेरिया में 50% का है, मीन 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, तो आपको इसमें एटलीस्ट 150 मार्क्स कंडक्ट करने हैं ये क्वालिफाई करने के लिए। अब एक सब्जेक्ट्स का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। ये आपके सामने एक लिस्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, जिसमें इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। हर सब्जेक्ट ये 100 मार्क्स का है और इस हर सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स कंडक्ट करने हैं ये पास करने के लिए। अब इसमें जो 3 सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं मैंने एरोज के साथ, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों को जनरल नॉलेज में कंसिडर किया जाता है और इनका एग्रीगेट, इनका टोटल मार्क्स 300 बनता है, जिसमें से आपको एटलीस्ट 120 मार्क्स लाजमी लेने हैं। मतलब कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पास कर लिए और इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके टोटल 120 नहीं बन रहे, तो आप फेल कंसिडर किए जाओगे। मतलब कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लेने हैं। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज है, मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडीज है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी। आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ये काफ़ी बड़ी रेंज FPSC ने दी हुई है कैंडिडेट्स को, क्या आप अपनी फील्ड या इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स इसमें 200 मार्क्स के हैं और कुछ सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि आप हर ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ग्रुप वन में से कोई एक सब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट यहाँ से ऑप्ट किया 200 मार्क्स का, तो आप कोई और सब्जेक्ट यहाँ से ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आपने ग्रुप बी से अगर आपने लॉ सब्जेक्ट ऑप्ट किया 100 मार्क्स का, तो आप फिर कोई और सब्जेक्ट इनमें से ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आपको हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट लेना होता है और 600 मार्क्स का स्कोर कंप्लीट करना होता है, जिस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेंगे और 600 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 200 का यहाँ से लिया, 200 का यहाँ से लिया, तो 400 हो गए। और किसी भी आप ग्रुप से फिर 2 सब्जेक्ट्स 100 100 के ले सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन सब्जेक्ट्स, यानी कॉम्बिनेशन क्या रखें ऑप्शन सब्जेक्ट्स के, कि आपका स्कोर भी अच्छा रहे और फेल होने के चांसेस भी कम से कम हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखें, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपकी ग्रेजुएशन है या जिसमें आपकी बेस स्ट्रांग है, आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, स्कोर ट्रेंड के पीछे ना जाएं। ये एक सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है। ये एक सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम पर रखी थी, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से,
इंटरनेशनल लॉ है, जेंडर स्टडीज है, सोशोलॉजी है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से मैंने टाउन प्लानिंग रखा था। ये कॉम्बिनेशन रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कोई भी कैंडिडेट आराम से कवर कर सकता है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक फील्ड की इसमें ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस वो सब्जेक्ट है जो हर कैंडिडेट को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो सब एक बिल्कुल ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है और ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। लाइक जो इसका सिलेबस है या कोर्स कॉन्टेंट है, वो आपको इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प करेगा, हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा और पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। तो ये एक बिल्कुल ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ है, इस सब्जेक्ट का जो कॉन्टेंट है ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को, क्योंकि यहाँ से आपको सारी थ्योरीज, फैक्ट्स एंड फिगर्स, केस स्टडीज और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके पेपर को और दूसरे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका सिलेबस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ईजी सब्जेक्ट है और ये कोई भी ईजीली कवर कर सकता है। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़ एक नया सब्जेक्ट है सीएसएस में और इसका सिलेबस जो है वो मेनली डिपेंडेंट है वुमेन स्टडीज़ के ऊपर, मतलब कि जो थ्योरीज हैं या जो भी ऑथर्स हैं या जो केस स्टडीज़ हैं वो सराउंड करती हैं वुमेन इशूज़ एंड स्टडीज़ के ऊपर। तो ये सिलेबस भी काफ़ी ईजी है और कोई भी इसको कवर कर सकता है। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट है और तकरीबन हर कोई इसको ऑप्ट करता है। इसके लिए स्कोरिंग ट्रेंड का कहा जाता है कि ये थोड़ा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको इसके सही पैटर्न से अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको इजीली 60 प्लस स्कोर देगा। उसके बाद टाउन प्लानिंग है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैंने ये सब्जेक्ट इजीली कवर अप कर लिया था, क्योंकि इसमें थ्योरीज और डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जो इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सजेस्टेड है, क्योंकि ये एक ईजी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें सिंपल आपको गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगे जो आप इजीली कवर कर लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये रखें, या फिर अगर आपकी फील्ड या ग्रेजुएशन दूसरी सब्जेक्ट्स में जैसे मेडिकल साइंसेज में तो आप वो सब्जेक्ट रखें, या अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स ज़रूर रखें, क्योंकि बिल्कुल सॉलिड मार्क्स होते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये डिफरेंट जो आपके सामने टॉपिक्स हैं कि व्हाई पीपल फेल इन सीएसएस एग्जाम, लोग फेल क्यों होते हैं सीएसएस एग्जाम में, और प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और एंड में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसको हम एक थोड़ा स्टडी देंगे कि क्या क्या सिलेबस में इंक्लूडेड है और किस तरह उसको हम कवर कर सकते हैं इफेक्टिवली कम टाइम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दें, और जो जो इसमें आपको वीकनेसेस लगी वो भी आप ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर सकें और मज़ीद अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकें। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. Welcome to the short video series of CS exam preparations. मेरा नाम फराज खान है और ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है, मतलब पार्ट टू है, और ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो 2018 या 2019 में अपीयर होंगे, क्योंकि इस लेक्चर में मैं वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो CS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कैंडिडेट को पास या फेल करने में। और इंशाल्लाह जब ये वीडियो एंड होगी तो CS एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि CS एग्ज़ाम का पासिंग रेशो इतना लो क्यों होता है, मतलब इतने हज़ारों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि हार्डली 150, 200 या मैक्सिमम 250 कैंडिडेट्स उसको क्वालिफाई करते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है पास और फेल करने का,
स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हर साल तकरीबन 15 to 20,000 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से ओनली 50 to 60% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, मतलब बाकी 40 to 50% कैंडिडेट्स अपियर ही नहीं होते एग्ज़ाम में। तो आपका कंपटीशन आप देखेंगे जो अपियर हुए थे या जिन्होंने अप्लाई किया था, यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो पहले ही 30 to 40% कम हो चुका है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जितने कैंडिडेट्स, मतलब 50 to 60% जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने के बाद अपियर हुए थे एग्ज़ाम में, उनमें से भी 20 या 30% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन के साथ अपियर हो रहे हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो बगैर प्रिपरेशन के, बगैर गाइडेंस के एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और ज़्यादा कम हो जाता है और फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो जो कैंडिडेट्स फेल होते जा रहे हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन सही गाइडेंस के हिसाब से की हुई है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो लो होता जा रहा है। अब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था 15 to 20,000, अगर आप उसका 20 to 30% निकालें तो ये तकरीबन 7 to 8,000 रह जाएगा सिर्फ, मतलब कि आपका कंपटीशन जो होगा वो 7 to 8,000 कैंडिडेट से होगा। और अगर इसी रेशो को हम आगे लेकर चलें, मतलब ये उनका कंपटीशन है जो प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करके अपियर हो रहे हैं, तो अगर इस रेशो को आप देखें तो फिर आपको ये जो पासिंग रेशो है 2% या 3%, वो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनमें कंपटीशन होता है जो अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो हम 20,000 कैंडिडेट्स देख रहे थे वो रह जाते हैं आपके लास्ट में 7 या 8,000, तो कंपटीशन आपका 30 to 40% रह जाता है, जिसमें आपको कॉम्पीट करना या सर्वाइव करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब हम वो रीजंस देखते हैं कि किन रीजंस की वजह से वो कैंडिडेट्स फेल होते हैं जो प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो 20-30% कैंडिडेट्स तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं वो सारे पास क्यों नहीं होते, उनमें से भी सिर्फ 2 या 3% कैंडिडेट्स क्यों पास होते हैं, तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक रीजंस हैं जो मैं आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट अच्छी तरह तैयारी करता है किसी सब्जेक्ट की या किसी पेपर की, और जब पेपर उसके सामने आता है तो वो उस कैंडिडेट से ज़्यादा कंफ्यूज होता है जिसकी तैयारी नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, टाइम टाइम भी लिमिटेड होता है और आपको 4 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कैंडिडेट उस वक्त बहुत ज़्यादा पजल्ड होता है। पहले तो ये सिलेक्ट करना मुश्किल होता है कि आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और कौन से नहीं, तो इसी पैनिक सिचुएशन में कैंडिडेट जो होता है वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस को या क्वेश्चन की डिमांड को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता सही से। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आया पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में सी पैक के हवाले से, क्योंकि सी पैक आजकल बहुत ज़्यादा सराउंड कर रहा है, तो जब भी मैं इसी की एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर सी पैक का कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अब हर कैंडिडेट CSS का कैंडिडेट लाजमी सी पैक, तो जब वो क्वेश्चन में सी पैक देखेगा तो उसके दिमाग में सारे सी पैक के आइडियाज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, सारे आर्ग्यूमेंट्स उसके दिमाग में सी पैक के आने लगेंगे, इस वजह से वो पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करेगा, मतलब कि अगर सी पैक के वो एडवांटेजेस मांग रहा है तो आगे किसी पार्ट में वो क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस की भी बात करेगा, लेकिन कैंडिडेट क्या करता है कि वो सारा फोकस अपना एडवांटेजेस को दे देता है और दूसरा कोई ना कोई पोर्शन उसका इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये जो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते क्वेश्चन, इसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं क्वेश्चन के, पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कैंडिडेट्स वो लिखते हैं अपने आंसर में जो उनको पता होता है, वो नहीं लिखते जो कि क्वेश्चन में मांगा गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोबारा मैं वही एग्जाम्पल दूंगा, आपने सी पैक पढ़ा है और आपने देखा क्वेश्चन में कि सी पैक एक वर्ड आ गया है, तो
आप फौरन वहीं पे उस क्वेश्चन को सर्किल करेंगे कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अच्छी तरह आता है। आप आगे का क्वेश्चन नोटिस ही नहीं करेंगे कि उसकी डिमांड क्या है, कि वो सीपैक के चैलेंजेस की बात कर रहा है, सीपैक की अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, या सीपैक के हवाले से जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप सिर्फ सीपैक को कंसीडर करेंगे और इसी वजह से आप सारा का सारा सीपैक की कहानी उसमें लिख देंगे, बल्कि वो नहीं लिखेंगे जो क्वेश्चन में मांगा गया है। दूसरी मेजर मिस्टेक कैंडिडेट्स ये करते हैं। उसके बाद तीसरी जो मिस्टेक है, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त जो कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स और हमारे आइडियाज़ बिल्कुल टॉपिक को हिट कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको सही तरह से पेपर के ऊपर लिख नहीं पाते या डिलीवर नहीं कर पाते। वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्वेश्चन आया, अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही पैरा में पूरा अपना आंसर लिखते हैं, मतलब हेडिंग भी आंसर की और जब फर्स्ट वर्ड लिखते हैं और लास्ट वर्ड लिखते हैं तो वो एक ही पैरा होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी छुपे हुए होते हैं सीएसएस के एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन को आपको अलग अलग टाइम देना होता है और हर एक पॉइंट को अलग डिस्कस पैराग्राफ में। तो पैराग्राफिंग की टेक्निक बिल्कुल आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैराग्राफ्स बनाते हैं तो चेकर को भी इजी हो जाता है कि वो आपके पेपर को किस तरह से जज करेगा और मार्किंग करेगा। इस तरह से आपकी लेंथ भी बढ़ती है पेपर की और आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादा बिल्ड होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब कि हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ना हम उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ना उसकी बॉडी में हम अच्छी तरह पैराग्राफिंग करते हैं, ना उस क्वेश्चन का हम कॉन्क्लूजन लिखते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं, और जिनके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स होते हैं वो भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपनी कॉपी में। फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहा है और वो किसी लीडर की कोटेशन को कोट कर रहा है अपने पेपर में, तो वो उसी पेन से कोट कर देता है जिस पेन से वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। और अक्सर कैंडिडेट्स तो एक बॉल पेन लेके जाते हैं, कोई इतनी जहमत ही नहीं करता कि कोई मार्कर्स लेकर जाए या कलर कंट्रास्ट चलाए पेन्स का, एक बॉल पेन लेकर जाते हैं, क्वेश्चन भी उससे ही लिखते हैं, आंसर्स भी उससे ही लिखते हैं, कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो वो भी उसी पेन से लिख रहे हैं, कोई फैक्ट्स या फिगर्स दे रहे हैं तो वो भी उसी पेन से लिख रहे हैं। वो उससे क्या होता है कि आपका डेटा सारा वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि जब चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा और सब एक जैसा ही लिखा हुआ होगा, एक जैसी राइटिंग में, एक जैसे पेन में, तो हो सकता है वो कुछ मिस भी कर दे। वर्ड बाय वर्ड तो आपकी कॉपी पड़ेगा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज उसको चेक करनी होती है। तो अगर उसने आपकी वही चीज़ मिस कर दी जहाँ पे आपने कोटेशन मार्क की है या कोई आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, तो ये आपका डेटा सारा वेस्ट होगा। इस वजह से भी आपके मार्क्स कम होते जाते हैं और आप फेल के बॉर्डर पे आते जाते हैं। उसके बाद जो एक बड़ी गलती करते हैं कैंडिडेट्स वो ये कि निगलेक्ट करते हैं कोर क्वेश्चन की और अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है जिसमें आपको कहानियाँ लिखने के या कॉपीज भरने के मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना होता है, सिर्फ वही लिखना होता है जो आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है। अब कैंडिडेट्स जिनको एक क्वेश्चन समझ नहीं आता तो जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो फिर वो कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनके मार्क्स भी कटते हैं। लास्ट मिस्टेक जो है, लास्ट तो नहीं वैसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन इस स्लाइड के लास्ट मिस्टेक कि कैंडिडेट्स अपनी अटेम्प्ट्स वेस्ट करते हैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न को देखने के लिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो कहते हैं यार एग्जाम देके देखते हैं, देखें तो सही होता कैसा है, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जब तक आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो, अच्छी तरह आपने टाइम ना दिया हो, सीएसएस को आप अपियर ना हो, आपको हर एक चीज़ का बारे में पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, इसके अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है, इसका सिलेबस कोर्स हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस सारी इन सारी बातों को बताने का मकसद ये है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि सीएसएस के एग्ज़ाम में आपको पास कैसे होना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फेल होने से कैसे बचना है आपको, क्योंकि अगर आप फेल होने से बच गए तो डेफिनेटली फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है पास। तो
आपको पास नहीं होना, आपको सिर्फ फेल होने से बचना है, पास आप खुद ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपको वाइट वाइट और रेड कलर में जो चीज़ दिख रही है, ये मेरी कोई घर की चीज़ नहीं है, ये FPSC के एग्जामिनर्स की वो रिपोर्ट है जो वो हर साल रिजल्ट के बाद पब्लिश करते हैं, और सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं या पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। तो जितनी मैंने रेड इसके अंदर लाइंस हाईलाइट की, अगर आपको ये नज़र आ रही है तो इसको वन बाय वन देखते हैं। ये मैंने जो स्नैपशॉट लिया है ये ऐसे के लिए है था, मतलब कि ये ऐसे के जो पेपर्स कैंडिडेट्स फेल करते हैं ये उनकी जजमेंट थी ऐसे के पेपर के हवाले से। तो अब 80 to 90% कैंडिडेट्स ऐसे के पेपर में फेल होते हैं, या तो ऐसे के पेपर में फेल होते हैं या इंग्लिश प्रेसिएंट कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में फेल होते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ इसी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ हर सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आइडियाज़ वर नॉट कोहेरेंट। अब कोहेरेंट आइडियाज़ क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या ऐसे की बात कर लेते हैं, ऐसे में आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, तो जब आप ऐसे स्टार्ट करते हैं उसकी सबसे पहले आउटलाइन बनती है, आउटलाइन बनने के बाद इंट्रोडक्शन होता है, और फिर उसकी पूरी बॉडी होती है, एंड में उसका कॉन्क्लूजन होता है। तो जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो हर एक पैराग्राफ का एक बुलेट पॉइंट देते हैं, जैसे किसी भी बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है कि इसमें ये इस बुक के अंदर कंटेंट है। अब आपके पास जो टॉपिक आया है, आप जाहिर सी बात है आपको उसकी एक आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन के जो आप पॉइंट्स बना रहे हैं, हर एक पॉइंट एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पे जो ये कह रहा है कि आइडियाज वर नॉट कोहेरेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि जो आपने आइडियाज़ दिए हैं अपनी आउटलाइन में, वो उस टॉपिक से या तो मैच नहीं कर रहे, या अगर कहीं मैच कर रहे हैं, रेलेवेंट है, तो उनको सही से कनेक्ट नहीं किया हुआ। मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद जो आपने सेकंड पैराग्राफ लिखा है उनके बीच में कनेक्शन या ऐसी बॉन्डिंग नहीं है जो ये शो करे कि आप उसी टॉपिक की बात करो जो आपसे पूछा गया है। लाइक आपको पैराग्राफ्स की एक चेन बनानी होती है, फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कनेक्ट द सेकेंड पैराग्राफ। अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ का शेडो सेकेंड पैराग्राफ में नहीं आएगा तो मतलब आप अपने टॉपिक से डेविएट हो गए, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है इंग्लिश ऐसे के पेपर के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, रैंडम थॉट्स वर ब्रॉट टुगेदर विदाउट एनी लॉजिक लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि आप जब ऐसे अटेम्प्ट करते हैं या आउटलाइन बनाते हैं तो जितनी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती हैं आप वो सब की सब आउटलाइन के अंदर लिख देते हैं, और जब आउटलाइन के अंदर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको बॉडी में पैराग्राफिंग भी करेंगे उसकी। तो ये मिस्टेक ना करिएगा कि जितने आपके दिमाग में रैंडम थाट्स करें, रफ पेपर पर आप पहले एक रफ आउटलाइन बनाएं, रफ में जितने आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास आप उसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद आप उसकी एक सीक्वेंस बनाएं और देखें कि कौन से पॉइंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रेलिवेंट है उस टॉपिक के हिसाब से। आप सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करें और फिर उसकी एक आउटलाइन बनाएं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो रट्टे वाला ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने जो ऐसे की तैयारी की हो, वर्ल्ड टाइम्स की कोई भी आप बुक लाए, आपने सारे ऐसे इसका उसमें रट्टा मारा और वही का वही आपने एग्जाम में छाप दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पुराने भी होते हैं, फैक्ट्स भी पुराने होते हैं, और जो चेकर है वो प्रोफेसर होते हैं तो उनको पता होता है कि कैंडिडेट ने अपने माइंड से लिखा है, अपनी एनालिटिकल अप्रोच दिया है, या फिर ये रट्टे वाला ऐसे है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लैग करते हैं रिसर्च में, मतलब कि वो इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं करते और उनकी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, वो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, और रैंडमली वो उनके जहन में जो आ रहा होता है वो लिखते जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे आपका फेल होता है। उसके बाद जो ये पॉइंट है ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसमें ये कह रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसमें आप
आठ दस बारह जितने भी आप पॉइंट्स बना रहे हैं, वो हर पॉइंट उस टॉपिक को हर एंगल से कवर करना चाहिए। मतलब कि अगर आप टेररिज्म इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो टेररिज्म इन पाकिस्तान की जो आउटलाइन होगी वो हर एंगल से पाकिस्तान को टेररिज्म को कवर करना चाहिए। मतलब कि टेररिज्म है क्या, पाकिस्तान में टेररिज्म कब आई, इसके इम्पैक्ट्स इसके ऊपर क्या है, और इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसके रीजंस क्या है, और जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इससे आउटर वर्ल्ड के ऊपर, यानी जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं या वो कंट्रीज जिनका पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, उनका असर क्या पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का इमेज क्या डेवलप हो रहा है, इसके इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या जनरेट हो रहे हैं, इस हवाले से आपको हर एक एंगल कवर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ टेररिज्म के दो तीन पैराग्राफ्स बनाए और कोई एक दो एंगल आपने लिख दिए बाकी मिस कर दिए। इसके लिए आपको ठीक ठाक फैक्ट्स भी चाहिए होते हैं, कोटेशन चाहिए होती हैं जो लीडर्स या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज इस हवाले से कोई बात करते हैं उस टॉपिक के हवाले से, या कोई आप रिलीजियस अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं तो उसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप कुरान को कोट कर रहे हैं तो उसकी कोई आयत या हदीस हो, उस टाइप का जो ये डेटा होता है, ये कैंडिडेट्स ज़्यादातर ये नहीं लिखते हैं ऐसे के पेपर्स में। वो सिर्फ अपने थॉट्स डिफाइन तो कर देते हैं लेकिन उसको सब्सटेंशिएट नहीं करते। यही बात ये इधर कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स ऐसे अटेम्प्ट करते हैं वो क्रैम्ड अप होता है, मतलब कि रट्टा मार के वो ऐसे लिख देते हैं, बाकी जो ऐसे के अंदर डिमांड किया है क्वेश्चन वो मिस कर देते हैं, क्योंकि वो टॉपिक में वही वर्ड देखते हैं कोई जो उनको पहले से पता होता है, बाकी वो जो सेंटेंस है या क्वेश्चन है वो मिस कर देते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है उसमें वो लेंथ का इशू होता है। अच्छा, लेंथ जो डिमांड करती है एफपीएससी या ऐसे का पेपर, वो 2500 to 3500 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 2500 या 3500 वर्ड्स का ऐसे लिखें। अगर आप टॉपिक को हिट कर रहे हैं, आपने रेलेवेंट और कोहेरेंट ऐसा लिखा है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो आप 1500 वर्ड्स के ऐसे भी पास हो सकते हैं, और अगर आपने रैंडम थॉट्स लिखे हैं, अपनी कहानियाँ लिखी हैं, तो भले आप फिर 5000 वर्ड्स लिख दें, आपका पेपर पास नहीं हो सकता। उसके बाद जो बड़ी मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स, ग्रामर स्पेलिंग और पंक्चुएशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और पंक्चुएशन तो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये तीन पिलर्स हैं इंग्लिश ऐसे के, अगर इन पिलर्स में से एक पिलर भी अगर गिरता है तो आपका ऐसे स्टैंड नहीं कर सकता। इसी तरह ये कह रहा है कि देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रिप्ट विच वॉज एरर फ्री, मतलब कि जिन लोगों ने ऐसे पास किए हैं उनके ऐसेज भी एरर फ्री नहीं थे, लेकिन उनके एरर्स इतने कम होते हैं कि वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके एरर्स या तो ना हो या कम से कम हो। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से कैंडिडेट्स ऐसे के पेपर में फेल होते हैं। और अगर कोई ऐसे के पेपर में फेल हो रहा है या प्रेसेंट कंपोजिशन के पेपर में फेल हो रहा है, तो मतलब वो पूरे सीएसएस में फेल हो रहा है। इधर मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, ये एफपीएससी की वेबसाइट का लिंक है जहाँ से मैंने ये पूरी एक रिपोर्ट ली है, तो ये आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं उधर से। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडिडेट्स के दिमाग में ये आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, कितना टाइम लगता है पूरी तैयारी करने में। मतलब कि कोई कहता है 2 साल, कोई कहता है 3 साल, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 6 महीने। तो स्टार्ट कब करनी चाहिए प्रिपरेशन, उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है और वो है अभी। आज से स्टार्ट करेंगे आप प्रिपरेशन तो ही इसकी प्रिपरेशन ख़त्म होगी, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ना 6 महीने में ना 1 साल में। और सीएसएस की प्रिपरेशन तो आपकी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उस दिन से ही आप की सारी बुक्स पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, और वही सारी चीज़ें आपको जब आप ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाते हैं तो वही चीज़ें ज़्यादा आपको काम आती हैं ऐसे के पेपर में।
पेपर में नहीं, सारे पेपर्स के अंदर, क्योंकि पूरी एज का आपको जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी लर्निंग स्किल्स होती हैं, वही आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है वो आप इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते, तो जो आपने स्किल्स पहले ही बना ली होती हैं अपनी, वही आपको हेल्प करती हैं ये सारा सिलेबस कवर करने में। उसके बाद जब ये सारी बातें मैं समझ में आ जाती हैं, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे इजी तरीका तो यही है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या करता है, मतलब कि इस एग्ज़ाम के की एलिमेंट्स क्या हैं जो वो आपसे पूछ रहा है, ये जो आपको डिलीवर करने हैं। जब आपको इस एग्ज़ाम का पता चल जाता है कि आपको क्या डिलीवर करना है, मतलब जब तक आपको सवाल ही पता नहीं होगा तो आप जवाब क्या दोगे, तो जब सवाल मिल जाता है तो जवाब देना भी आसान हो जाता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आंसर करना। और जब आप आंसर कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फेल होने के फिर कोई चांसेस हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स और स्किल्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रॉन्ग जोन्स अपने पता नहीं होंगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन भी हो सकती है, आपकी स्किल्स भी हो सकती हैं, कि आप किस टेक्निक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे, क्योंकि हर कैंडिडेट की प्रिपरेशन का जो स्टाइल होता है, जो टेक्निक होती है, वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पहले कवर कर सकते हैं, या अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो फिर आप देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। स्ट्रॉन्ग जोन्स के साथ साथ आपको अपने वीक जोन्स का भी अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि उन पॉइंट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकें जो आपको गिरा सकता है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो अपनी मिसकॉन्सेप्शंस को, मतलब कि उन तमाम वहमों को दूर करना होता है जो आपके आपके बीच में और आपके एग्ज़ाम के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। मिसकॉन्सेप्शन से बंदा यही होता है कि बंदा अपने ट्रैक से हट जाता है, डेविएट होता है और अपना लॉस करता है। तो अपना विजन एकदम क्लियर रखें, और विजन जब ही क्लियर होगा जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, और फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगी जब आपको सारी A to Z बेसिक्स इस एग्जाम्स की पता होंगी कि ये डिमांड क्या करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी स्किल्स क्या हैं। उसके बाद इफेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप सिलेक्ट करते हैं वो एक की रोल प्ले करता है CSS के एग्ज़ाम्स में पास करने में, क्योंकि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें मोस्टली आपके 40-45, हार्डली मैक्सिमम 50 मार्क्स तक आप गेन करते हैं, वो भी किसी एक दो सब्जेक्ट में। बाकी हर कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका स्कोर 40-45 के बीच में रहता है। तो 6 सब्जेक्ट्स में अगर आपने 40 मार्क्स लिए तो वो अबाउट 240 बनेंगे, तो आपको मार्क्स लेने हैं 600। तो ये सारे जो एक गैप बन रहा है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको हाई स्कोर देते हैं जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट बन पाता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड में है। अगर उस फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं आपके FPSC की लिस्ट में और आपकी ग्रिप है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें, क्योंकि आपको पता भी होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, ग्रिप भी होती है, और आपको उस सब्जेक्ट को कवर करने में कम से कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सारे सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी फील्ड के नहीं है, जो कि ज़्यादातर होता है कैंडिडेट्स के साथ, तो आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं जो सबसे ईजी हो, ईजी हो या सिलेबस उनका शॉर्ट हो, ताकि आपको कम टाइम लगे उनको सिलेक्ट करने में। अब फॉर एग्जांपल ज़्यादातर 80% कैंडिडेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर कैंडिडेट इजीली कवर कर लेता है कम टाइम में। तो अगर आप भी इसी तरीके के कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अच्छे मार्क्स लेने में और अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीक प्रॉपर गाइडेंस। मतलब आपको जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगी आप कभी भी सीएसएस क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीएसएस की प्रिपरेशन में सबसे अहम सवाल है वो यही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीएसएस के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम ये है कि हमें सीएसएस के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना। कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब वो इतने ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, इतनी सारी बुक्स का ढेर लगा लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उस चीज़ पे वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जो चीज़ उनको नहीं पढ़नी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो टाइम वहाँ यूटिलाइज करते जो उनको पढ़ना चाहिए था। और ये चीज़ सिर्फ आपको गाइडेंस के ज़रिए ही पता चल सकती है कि कम टाइम में किस तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाए कि हम सिर्फ वही चीज़ों को टच करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि आज आज आपने कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, फिर कल दूसरा उठा लिया, परसों तीसरा उठा लिया। जो आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं उससे आपको बिल्कुल स्टिक होके रहना है। मतलब अगर आपने दो सब्जेक्ट्स आज शुरू किए हैं तो तीसरा सब्जेक्ट आप जब तक ना उठाएं जब तक आपके दो सब्जेक्ट्स ख़त्म नहीं हो रहे। मोस्ट कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं, दो सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, एक हफ्ता पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर वो सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो पहला वाला सब्जेक्ट भी वहीं रुक जाता है और नया सब्जेक्ट जो वो स्टार्ट करते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि बर्डन आपका इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट में सारी चीज़ों की मैनेजमेंट आ जाती है, क्योंकि जब तक आपका टाइम मैनेज नहीं होगा आपका सिलेबस और कोर्स भी मैनेज नहीं हो सकता। तो आप अपना टाइम एलोकेट करें कि कौन सा सब्जेक्ट को कौन से कॉम्बिनेशन को आपको कितना टाइम देना है, और उस टाइम में आपको वो कोर्सेज ख़त्म करने हैं अगर आपको विद इन टाइम प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करनी है तो। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसमें हम बना तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में हम अच्छा पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा देते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमारा पढ़ाई का टाइम कम होता जाता है। तो इसी वजह से जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब होती है, और अगर आपकी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गई तो ज़ाहिर है वो एग्ज़ाम के टाइम पे भी ख़राब होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक 6 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान बनाया है, मतलब कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 2018 में अपियर हो रहे हैं। अब इस प्लान का मकसद यही है कि आप, क्योंकि अब कम टाइम रह गया है अटेम्प्ट के अंदर, तो इस कम टाइम के अंदर सिलेबस आप अपना कैसे कवर कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो इस पूरे प्लान को मैंने डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट ये है जो स्टार्टिंग के 45 डेज हैं, मतलब कि 1.5 मंथ जो होगा आपका, उसमें आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी विद इस्लामिक स्टडीज़ आपको स्टडी करना है। ये जो 45 डेज हैं इसमें आपको पूरी कोशिश करके इन दो सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना है लाजमी। ये जब आपके दो सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे फिर आपका दूसरा स्टेप आएगा, मतलब दूसरा माइलस्टोन आएगा। जो दूसरा माइलस्टोन आएगा वो भी 45 डेज का है। इस सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स और कोई भी एक 200 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना है। लाइक यहाँ पे करंट अफेयर्स और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं, तो करंट अफेयर्स के साथ कोशिश करें कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करें। करंट अफेयर्स और IR Paper 1 एंड Paper 2, 200 मार्क्स का है तो उसके दो पेपर होते हैं, Paper 1 एंड Paper 2। तो आपको 45 डेज में ये दो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जो इजीली हो सकते हैं, यहाँ से आपके कुछ डेज बल्कि बचेंगे भी। इन 45 डेज जब ये कंप्लीट होंगे तो आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होंगे 6 मंथ्स में से। उसके बाद जो 4th मंथ आएगा उसमें आपको पाकिस्तान अफेयर्स और कोई एक 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना है। अब जो आपने लास्ट 45 डेज में ये सब्जेक्ट्स कवर किए थे और जिन लोगों ने इस ऑप्शनल की जगह पे इंटरनेशनल रिलेशंस रखा था,
वो यहाँ पर लाजमी उनका इंटरनेशनल लॉ भी होगा, तो पाकिस्तान अफेयर्स के साथ वो इंटरनेशनल लॉ कवर करेंगे, या अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट रखते हैं 100 मार्क्स का तो आप वो इसके साथ कवर करें। ये आपके 4 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, और जब आपके 4 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो आपके 6 to 7 subjects कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके होंगे। उसके बाद 5th मंथ जो आएगा उसमें यहाँ पे आपको 3 optional subjects दिख रहे हैं, ये तीनों 100 मार्क्स के हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका जेंडर स्टडीज़ भी हो सकता है, सोशोलॉजी भी हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, या जो भी सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर रहे हैं, वो ये 3 subjects आपको 30 days, मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 10 days में कवर करना है, जो कि इजीली हो जाएंगे। यहाँ तक आपके 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके तकरीबन 10 subjects कवर हो गए हैं। इन 5 मंथ्स में आपके 10 subjects कवर हो गए हैं अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं। लास्ट मंथ यानी कि 6th मंथ जो बचेगा उसमें आपकी रिवीजन होगी। ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऑप्शनल्स, ये कंपलसरी और कंपलसरी और ऑप्शनल के जो कॉम्बिनेशंस आपने बनाए हैं, ये सारे आपको 1 मंथ के अंदर रिवाइज करने हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने इंग्लिश ऐसे और प्रेजेंट कंपोजिशन का पेपर ऐड नहीं किया, वो मैंने यहाँ पे नीचे ऐड पहले ही कर दिया है, क्योंकि ये जो पूरी टाइमलाइन बनाई है प्रिपरेशन प्लान की, ये फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे मतलब एग्जाम डे तक आपको ये दोनों सब्जेक्ट साथ लेकर चल रहे हैं। इन इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन, इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए समझ लें आपके पास 1 दिन का भी गैप नहीं है। फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, और वो कैसे चल रहे हैं कि रोज़ाना आप कोई एक ऐसे अटैम्प्ट करें, अगर ऐसे अटैम्प्ट नहीं कर रहे तो किसी भी टॉपिक की आउटलाइन बना लें, अगर आउटलाइन नहीं बना रहे तो किसी भी एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख लें, बॉडी लिख लें या कंक्लूजन लिख लें। इस तरह से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, जो ऐसे में भी हेल्प करेगी और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी राइटिंग स्किल्स में हेल्प करेगी। जो प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर है उसमें 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, जिसमें आपकी 20 मार्क्स की वोकेबलरी है, 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन है और 20 मार्क्स की प्रेसी है। जो प्रेसी है और कॉम्प्रिहेंशन है, ये की है या बैकबोन है इस पेपर की, तो इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो करें डेली बेसिस पे, क्योंकि आपने जहाँ मिस किया तो ये गैप क्रिएट करना शुरू कर देगा। इस तरह ये पूरा प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप अच्छी तरह पेपर अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अब हम एनालाइज करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस, मतलब जो 6 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या क्या सिलेबस है और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट आता है, और सबसे पहला पेपर भी इंग्लिश का ऐसे का ही होता है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। FPSC की तरफ से इसका कोई सिलेबस गिवन नहीं है, सिर्फ उन्होंने रूल्स बताए कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर में। जो पहला रूल है वो उनका लेंथ का है, मतलब कि आपको 2500 to 3500 words का ऐसे लिखना है, जो भी आपको 7, 8 या 9 topics गिवन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, उनमें किसी भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद जो की पॉइंट है ऐसे पेपर का वो ये है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं। कैंडिडेट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं एग्जामिनर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपसे मांगते हैं ऐसे के अंदर। अगर आप वो चीज़ उनको अपने ऐसे के अंदर दे देते हैं तो ऐसे का पेपर पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी आउटलाइन होती है, आउटलाइन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया एक इंडेक्स बनता है पूरे ऐसे का, सारे बुलेट पॉइंट्स आप बनाते हैं कि आप कौन कौन से मेजर एंड माइनर पॉइंट्स अपने ऐसे में डिस्कस करेंगे। जब आपके वो सारी आउटलाइन बन जाती है उसके बाद आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन जो आप लिखते हैं वो 200 to 250 words का इनफ है, मतलब अगर आप 3000 words का ऐसे लिख रहे हैं
तो उसके लिए 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी है। लेकिन जो आप 200 या 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपका ऐसे कवर करना चाहिए उसके अंदर, मतलब हर चीज़ का उसके अंदर की पॉइंट हो, जो भी आप आउटलाइन बना रहे हैं पूरी आउटलाइन उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ के ही एग्जामिनर डिसाइड करता है कि वो आपका बाकी ऐसे पढ़े या ना पढ़े। अगर आपका इंट्रोडक्शन उसको समझ में आएगा तो वो आगे बाकी आपका ऐसे पढ़ेगा, वरना आपको वहीं पे फेल कर देगा। आपका इंट्रोडक्शन जब सही लिख लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है बॉडी की। बॉडी में आपके पास सारे वो पैराग्राफ्स होते हैं जो आपने आउटलाइन में बताए होते हैं, सारी सीक्वेंस वाइज आप बॉडी के अंदर पैराग्राफिंग करते हैं। और पैराग्राफिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस और रेफरेंसेस हैं। मतलब जो भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं ऐसे के अंदर, उनको आप सब्सटेंशिएट कैसे कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिसिटी कैसे दे रहे हैं कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है। तो उस बात को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये चीज़ें अपने ऐसे के अंदर नहीं डालेंगे तो आपका ऐसे वीक हो जाएगा, और वीक होगा तो फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जब आपकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपने सारे पॉइंट्स अपने बॉडी के अंदर लिख दिए, सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने अपने कॉपी के अंदर लिख दिए, तो लास्ट पैराग्राफ होता है आपका कॉन्क्लूजन का। कॉन्क्लूजन में आपको एक ब्रीफली बताना होता है कि आपने पूरे ऐसे के अंदर डिस्कस क्या किया है, टॉपिक क्या था, आपने उसको एड्रेस किया या नहीं। जो जिस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है उसी तरह कॉन्क्लूजन होता है। कॉन्क्लूजन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हर एक पॉइंट जो आपने अपनी बॉडी के अंदर डिस्कस किया है उसकी रिफ्लेक्शन कॉन्क्लूजन में होनी चाहिए। इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो ऐसे के अंदर ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन। ये इस पेपर के अंदर जो आप देख रहे हैं ये सारा इसका सिलेबस है। ये रेड, येलो और ब्लू में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये इस पूरे पेपर का सिलेबस है, और इसी सीक्वेंस से पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 20 मार्क्स की वोकेबलरी होती है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद पार्ट टू के अंदर 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक आपको पैसेज गिवेन होता है, और नीचे उसके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। उस पैसेज को रीड करके कॉम्प्रिहेंड करके आपको 4 to 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्रेसी राइटिंग, आपको एक प्रेसी लिखनी होती है और एक उस प्रेसी का टाइटल देना होता है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो आपके 60 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन में आपको एक उर्दू में पैसेज दिया जाता है जिसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है, और वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर फ्रेजेस और इडियम्स का जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकें उसके अंदर करें, क्योंकि वो डिमांड यही करता है कि आप इडियमेटिक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी ग्रिप इन क्वेश्चंस पे है तो आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी 30 मार्क्स तक का इसका स्कोर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये ब्लू वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड मार्क्स आपको देती है अगर आपने सही प्रैक्टिस की हुई है तो, जिसमें डू एस डायरेक्टेड, जिसमें हमें डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंसेस मिलते हैं उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एरर करेक्शन का, वो आपको सेंटेंस देता है 7-8, जिसमें से आपको 5 सिलेक्ट करके उनमें से एक एरर फाइंड करके उन सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। ये करने के बाद एक पैसेज दिया जाता है पंक्चुएशन के क्वेश्चन में। एक पैसेज होता है जिसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुई भी होती, तो आपको वो पैराग्राफ समझ के पंक्चुएशन उसके अंदर इंसर्ट करनी होती है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और एनालॉजी है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी वोकेबलरी की प्रिपरेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी होगी उतने ज़्यादा आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि
इसमें सारे idioms में, pair of words, analogy में सारे English की vocabulary होती है। अगर आपको उनके meaning नहीं पता तो आप ये attempt ही नहीं कर सकते। बाकी जितने questions हैं इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो 3 है इसमें आपको टोटल रट्टा लगाना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी टिप या टेक्निक नहीं है जिसमें से आप इसको कवर कर लें, सिवाय इसके कि जो पास्ट पेपर्स हैं वो तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उसमें से 2-3 हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर्स के भी कर रहे हैं, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स के और 90s के पास्ट 10 ईयर्स के मिला के ये 20 ईयर्स के अगर आप कर लेते हैं सारे, तो उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो रेन एंड मार्टिन है, या फिर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इसमें से आप कोई सी भी बुक ले लें, ये सारे सेक्शन वहाँ से इजीली कवर हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, पाकिस्तान अफेयर्स। अब पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट्स जनरल नॉलेज कहलाते हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स उसका पहला पार्ट है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में, और इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं अगर आप इसका पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट करें। तो जो रिकमेंडेड बुक है सब्जेक्ट के लिए वो पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी है। फॉर द सिलेबस ऑफ प्रीपार्टीशन ओनली, मतलब जो प्रीपार्टीशन का जितना सिलेबस है आपको सिर्फ वो पढ़ना है इस बुक से, पोस्ट पार्टीशन इस बुक से नहीं पढ़ना। जो इस बुक के जो टोटल स्टार्टिंग है 130 पेजेस हैं, उसमें आपका प्री पार्टीशन कवर हो जाएगा। आपको बस 130 या 140 पेजेस पढ़ने इस बुक के, बाकी नहीं पढ़ना। या तो आप ये बुक रेफर कर दें या ट्रैक टू पाकिस्तान रेफर कर दें प्री पार्टीशन के लिए, दोनों बुक्स अच्छी हैं। उसके बाद मसला रह जाता है पोस्ट पार्टीशन का, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। तो प्री पार्टीशन तो आपका हो गया, पोस्ट पार्टीशन में जो आपको चीज़ें देखनी होती हैं उसमें आपको 1947 से लेकर टिल डेट सारे इश्यूज कवर करने पड़ते हैं, और ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स या किसी और अच्छी बुक से, पोस्ट पार्टीशन या किसी भी मैगजीन से जो करंट अफेयर के इसमें टॉपिक्स होते हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, 1947 के बाद से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आती हैं, वो स्टार्ट होती हैं प्रॉब्लम से, यानी कि वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान 1947 से फेस कर रहा है और आज तक कर रहा है, जिसमें पहली चीज़ तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। मतलब कि सिविल मिलिट्री में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, शुरू से ही मार्शल लॉ लगे और जितने भी कू होते रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, यानी कि 1947 से लेके 1960 तक 11 प्राइम मिनिस्टर्स आपके चेंज हुए, यानी इतने कम टाइम में, एग्जैक्ट डेट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन कम टाइम में 11 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसके बाद 1956 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान का, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था पाकिस्तान। इस ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इकोनॉमी पाकिस्तान की किस तरह से डाउन हो रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और बैड गवर्नेंस पाकिस्तान किस तरीके से डैमेज कर रही है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो पोस्ट पार्टीशन में आपको कवर करने लाजमी है, जिसमें टेररिज्म भी आ जाएगा, करप्शन भी आ जाएगा, बैड गवर्नेंस भी आ जाएगी। उसके बाद कोर टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर हाल में आपको कवर करने हैं, जिसके अंदर रिलेशनशिप है पाकिस्तान का विद नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि वो कंट्रीज जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, रशिया, ये वो सारी कंट्रीज हैं जिन जिसका रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली है। तो हर एक कंट्री का आपको देखना पड़ेगा हर एक डिफरेंट एंगल से, क्योंकि हर कंट्री के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप डिफरेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है अपने राइवल्स के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए। उसके बाद डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, टेररिज्म है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन, एनर्जी क्राइसिस, राइट एजुकेशन सिस्टम, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ब्ला ब्ला,
ये वो टॉपिक्स हैं जो की टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, और इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर काफ़ी हद तक निकलता है। और जो प्री पार्टीशन वाला सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन उसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कवर करने हैं, जैसे जितने भी पाकिस्तान मूवमेंट्स हैं और जितने रिलीजियस मूवमेंट्स हैं और जितने रिलीजियस और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर आप सिर्फ उनको भी कवर कर लें तो आपका ये पेपर इजीली अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स थोड़ा सा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि लोग इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स की और रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए तो आपका आर्ग्यूमेंट वैसे ही वीक पड़ जाता है। तो लाजमी है कि आप कोई ना कोई रेफरेंस अपने हर क्वेश्चन के आंसर में दें। जो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की, उसकी बेस्ट सोर्स तो न्यूज़पेपर है। आप अगर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली जो इसका मेन पेज है और एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होता है डॉन न्यूज़पेपर का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जितने एनालिस्ट हैं वो डिफरेंट इश्यूज़ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपना एक तजिया पेश करते हैं, जिससे आप अगर पढ़ेंगे तो आपका विजन काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। विजन भी ब्रॉड होगा और आपको राइटिंग स्किल्स का भी पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपना आइडिया डिलीवर कर सकते हैं अच्छे एक्सप्रेशन के साथ। न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली एक मैगजीन आता है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का या इकोनॉमिस्ट का, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। सारे इसमें हॉट इश्यूज़ ये डिस्कस करते हैं पूरे मंथ के, काफ़ी इसके अंदर से आप डेटा ले सकते हैं, फैक्ट्स ले सकते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज या पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी स्टेटमेंट्स, ये अलग से सेक्शन बनाते हैं एक सीएसएस का, तो वहाँ से आप इसका एक पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से जो कोर टॉपिक्स हैं उसमें पाकिस्तान की रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर स्टेट्स, जैसे मैंने बताया जितने भी पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और दूसरे स्टेट्स, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एज पर एक्सटर्नल इश्यूज एंड चैलेंजेस, मतलब कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के लिए क्या है, वो चाइना के लिए क्या है, वो अमेरिका के लिए क्या है, और अगर कोई सिचुएशन वॉर की हो जाती है तो पाकिस्तान क्या पॉलिसी फॉलो करता है, या अगर पीस की कोई सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान क्या पॉलिसी फॉलो करता है, ये चीज़ आपको इसमें लाजमी देखनी होगी। क्योंकि अगर आप फॉरेन पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही वीक रहेगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं दे पाएंगे जो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, जैसे नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं, टेररिज्म हो गया, या जो दूसरी कंट्रीज इंटरफेयर करती हैं, जैसे अफगान तालिबान है या अफगान रेफ्यूजीज का इशू है, इस टाइप के आपको इशूज़ इसमें देखने होते हैं कि वो किस तरीके से डैमेज ये हार्म कर रहे हैं पाकिस्तान की सॉवरेंटी को। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, आईएमएफ है, शंघाई कॉरपोरेशन है, नेटो, आसियान, पीटीसी, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आपको कवर करना है। इन सब के सबसे पहले आपको चार्टर पढ़ना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल नहीं पढ़नी, इनका सिर्फ आपको चार्टर पढ़ना है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, और अगर पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है तो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के लिए क्या रोल प्ले कर रही हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका आंसर यूजलेस होगा। उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस, जैसे अभी अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बाद अरब क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस चल रहा है, सऊदी या कतर का क्राइसिस चल रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड इशूज़ हैं जैसे ईरान इराक, ये सेक्टेरियन इश्यूज जो चलते हैं ये आपको कवर करना है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पर होता है और सुपर पावर्स इनको यूटिलाइज करती हैं मुस्लिम वर्ल्ड या पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। उसके बाद वो इश्यूज़ हैं जो पूरी वर्ल्ड फेस कर रही है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा इशू है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बाद एनपीटी है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और एक्सेट्रा। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन
घूम फिर के आता है। जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इसमें काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी इंटरनेशनल हो रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर या तो ऐसे आएगा या कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इससे अफेक्ट हो रही है। और जब ये सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मोस्टली आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो IMF की रिपोर्ट है जो वो पब्लिश करते हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन्स हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है जहाँ से आप सारे स्टेट्स इकोनॉमी के ले सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है, डेट कितना है, प्रॉफिट कितना है। उसके बाद ईयरली रिपोर्ट बाय वापडा, यहाँ से आप वो डेटा ले सकते हैं जो आपको एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस में हेल्प करेगा, यानी पूरे कंट्री के स्टेट्स इस रिपोर्ट के अंदर होते हैं, तो यहाँ से आप सारा इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो करंट अफेयर्स का पेपर आपका अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज़, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी है और टाइम टेकिंग भी है, इसीलिए मैंने इसको प्रिपरेशन प्लान में सबसे पहले रखा था कि ये आप पहले स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इसको टाइम मिल सकेगा और प्रेशर भी उस टाइम कम होता है, तो इजीली आप इसका सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके लिए रिकमेंडेड बुक जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ बाय करीम दाद चुगताई की है। इस बुक में पूरा सिलेबस कवर किया गया है, मतलब कि हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा जो सिलेबस में डिमांड किया है FPSC ने। ये इसका सिलेबस है इस्लामियात का, जिसमें ये इसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन है, स्टडी ऑफ सीरा, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लाम एंड वर्ल्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। ये पूरे 7 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस को आपके कवर करते हैं। इसके और भी सब पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के। इस पूरे सिलेबस को वो बुक इजीली कवर करती है, तो अगर आप सिर्फ ये बुक भी रेफर करते हैं सब्जेक्ट के लिए तो आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ये इसकी डिटेल्ड आउटलाइन है इस पूरे सब्जेक्ट की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। इसमें जो आप ये बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं ये इसके सब टॉपिक्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन और सारे इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है वो है स्टडी ऑफ सीरा, यानी प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफ है एज अ रोल मॉडल, वो किस तरह इम्पेक्ट किया है उसने पूरी वर्ल्ड को और इस्लाम को, तो उसमें ही 4-5 पॉइंट्स हैं, एज ए इंडिविजुअल, एज ए डिप्लोमेट, एज ए एजुकेटर, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड पीस मेकर। ये सेकेंड चैप्टर पूरा सीरा के ऊपर है। इसी तरह थर्ड चैप्टर ह्यूमन राइट्स का है, चौथा चैप्टर इस्लामिक सिविलाइजेशन का है। ये सारे इसके अंदर हिस्ट्री भी आ जाएगी, इस्लामिक बिलीफ भी आ जाएंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो ये कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप इस्लाम को और वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी बनता है, वो आप इजीली कवर कर सकेंगे पेपर में। फिफ्थ चैप्टर इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इसमें सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं, मतलब कि करंट वर्ल्ड में जितने इश्यूज आ रहे हैं, जैसे टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वो इस्लाम के साथ कैसे रिलेट करते हैं या इस्लाम उन इश्यूज को कैसे एड्रेस करता है। जैसे अभी दाइश एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो इस्लाम के नाम पे टेररिज्म फैला रही है, तो इस्लाम उसको कैसे निगेट करता है और कैसे अपना मैसेज डिलीवर करता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर्ड हैं। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इस्लाम कैसे एडमिनिस्टर करता है पूरे वर्ल्ड अफेयर्स को, ह्यूमन अफेयर्स को, और जो भी एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से गवर्न करता है, ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं। वन बाय वन इसको देखेंगे आगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, जिसमें आपके पास इसका सोशल सिस्टम आ जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा, जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारा आपका इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस है, और इस सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट रीडिंग देनी पड़ेगी, इस सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है।
क्योंकि इसमें जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके लिए आपको रेफरेंसेस कलेक्ट करना भी बहुत लाजमी होगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें या तो कोई हदीस या कोई कुरान की आयत का रेफरेंस देना हर क्वेश्चन में लाजमी है, ताकि जो आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। तो ये था इस्लामिक स्टडीज़। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये सब्जेक्ट इजी भी है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट्स की बात की है वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं देते, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है आपको अच्छा स्कोर दे सकता है और कैंडिडेट्स इसमें 80 to 90 मार्क्स तक स्कोर करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल साइंस एंड जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 60% है, मतलब कि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल साइंस में से होते हैं, और 40% जो मार्क्स होते हैं मतलब 40 मार्क्स का जो पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी में से होता है। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो टोटली थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें टोटल थ्योरीज है, इसमें सारी थ्योरी है 60 मार्क्स की, और ये जो 40 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का सेक्शन है इसमें टोटल मैथमेटिक्स ये लॉजिकल रीजनिंग है। इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पूरा होता है। अब जो थ्योरी है उसमें साइंस के सारी फील्ड्स कवर करता है ये, मतलब साइंस की जितने भी फील्ड्स हैं अप्रोक्सीमेटली सारी साइंस की फील्ड्स कवर करता है। और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग वाले यानी मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में ये मैथ्स की तकरीबन बेसिक्स सारी कवर करता है। तो थियोरेटिकल पोर्शन की पहले बात करते हैं, इसमें फिजिकल साइंसेस है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, फूड साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि एस्ट्रोनॉमी से लेकर बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं उन सब का इसके अंदर कहीं ना कहीं टच होता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं आप, फिर उसी में आपके पास हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फूड साइंसेज में आपको बैलेंस डाइट का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीन्स के आईटी आ जाएगा आपका, तो इसमें जो इंजीनियरिंग के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें आपकी टोटल थ्योरी और ये साइंस के जो इम्पोर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको ये कवर करता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें मैथ्स, बेसिक मैथ्स मैथ्स के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं और मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे हम अक्सर फेसबुक पे क्विजेस देखते हैं उसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें शेप्स वाले भी होते हैं जिसको हम वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं, और कुछ क्विजेस होती हैं, कुछ रिडल्स होती हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं अर्थमेटिक की। तो 40% ये आपका पोर्शन कवर करता है। इस तरह आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका ये जोन वीक है थ्योरेटिकल, तो आप लाजमी है कि ये वाला जोन आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ से स्कोर अच्छा कर लिया तो ये आपके वीक पॉइंट कवर हो जाएगी, और इस सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना लाजमी है ताकि आपका एग्रीगेट स्कोर अच्छा हो सके जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पे आपके एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल थी, और जो भी इस वीडियो में कमी रह गई है या जो भी पॉइंट्स मैंने कवर ना किए हों वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो इस सीरीज़ की होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप मिस ना करिएगा, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश ऐसे पेपर को डिस्कस मैं करूँगा और इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन के पेपर को डिस्कस करूँगा, जिसमें चूजिंग अ टॉपिक से लेकर कॉन्क्लूजन तक मैं सारे पॉइंट्स बताऊँगा आपको, जितना भी मुझे पता है मैं वो आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो प्रेसिएंट कंपोजिशन का पेपर है उसमें भी जो मेजर पार्ट्स हैं इस पेपर के वो डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आई होप कि वीडियो आपको ये पसंद आई है, और फीडबैक आप अपना ज़रूर दें कमेंट्स में,
ताकि मुझे पता चल सके मैं कौन कौन से पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ और आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शॉर्ट वीडियो सीरीज़ ऑफ सी एस एस एग्जाम प्रिपरेशन। मेरा नाम फराज खान है और इस वीडियो सीरीज़ का ही थर्ड लेक्चर है, मतलब थर्ड पार्ट है। और ये पार्ट इस पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं इंग्लिश ऐसे का पेपर डिस्कस करूँगा। वैसे तो इंग्लिश ऐसे का पेपर बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स में इक्वल ही है, लेकिन इंग्लिश ऐसे को सी एस एस का बैकबोन कंसिडर किया जाता है क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो 80 to 90% कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम में फेल करता है। लोग बाकी सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल हो जाते हैं, और उनके फेलअर फैक्टर्स कॉमन होते हैं तकरीबन, मतलब वो फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स फेल होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उन तमाम फैक्टर्स को हाईलाइट करूँ ताकि आपको बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ऐसे का पेपर एक नाइटमेयर की शक्ल इख्तियार कर चुका है एस्पायरेंट्स के लिए क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिससे 99% कैंडिडेट जो है वो डरते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरा। आपको एक टॉपिक्स की लिस्ट मिलती है जिसमें से आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे अपना अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर वो टॉपिक आपने सही सिलेक्ट कर लिया, सही कॉम्प्रिहेंड कर लिया, तो आपका पेपर पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी टॉपिक सिलेक्शन गलत हो गई या आपने टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड सही नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ऐसे का पेपर फेल हो जाएगा क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती। अब इस सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं कि इसके लिए आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश का क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इसके अंदर रखनी चाहिए, कौन सी किस किस्म की आपको इसमें वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए, वो सारी मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पहला सबसे पहला क्वेश्चन तो कैंडिडेट्स ये अक्सर पूछते हैं कि इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इंग्लिश ऐसे के पेपर में। तो उसका सिंपल सा आंसर ये ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिंपल एंड करेक्ट। आपकी इंग्लिश बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ सिंपल का मतलब ईजी नहीं कह रहा मैं, यहाँ पे सिंपल का मतलब ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अगर आपका ये स्टैंडर्ड है इंग्लिश का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि वोकेबलरी आपकी बिल्कुल वर्बोस होनी चाहिए या फ्लावरी इंग्लिश आप लिखो, तो उसमें ज़्यादा चांसेस प्रॉब्लम के ही होते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा वर्ड वहाँ पे यूज़ कर लिया जिसकी मीनिंग उसको नहीं पता और वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि आपका पॉइंट एक्चुअली है क्या, तो वो आपके पॉइंट के लिए डिक्शनरी तो खोलेगा नहीं, इतना टाइम उसके पास नहीं होता। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्क्स देने के बजाय वो आपके मार्क्स डिटेक्ट कर सकता है। तो सेफ साइड खेलने के लिए आपको सिंपल और करेक्ट इंग्लिश यूज़ करनी है ताकि आपका जो भी पॉइंट है, जो भी आपका आर्गूमेंट है, वो फर्स्ट रीडिंग में उसको डिलीवर हो जाए। उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस आपको लिखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें क्योंकि जितने ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस आप या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखेंगे मिस्टेक्स के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें और कोशिश करें कि उनमें ग्रामर की, पंक्चुएशन की या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। सिंपल वोकेबलरी यूज़ करें कि आपकी बात ईजिली डिलीवर हो जाए। इनफॉर्मल और कॉन्ट्रेक्शंस को अवॉइड करें, मतलब जिस तरीके से हम SMS में लिखते हैं ये कॉन्ट्रेक्शंस एंड को हम सिग्नल बना देते हैं कोई या सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो उसको अवॉइड करें। फॉर्मल लैंग्वेज आपको लिखनी होती है। उसके बाद अगर आप कोई स्टेटिस्टिक्स या रेफरेंसेस दे रहे हैं या कोई कोटेशन दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली हाईलाइट करें, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करें, और जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको आप एनालाइज करें रीजनिंग के बेसिस पे, मतलब आपकी कोई ना कोई अपनी थिंकिंग उसके पीछे होनी चाहिए। क्रैम्ड कोई आप मटेरियल उसमें ना लिखें, आपकी अपनी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए हर आपके आर्ग्यूमेंट के पीछे। तो ये एक सिंपल सा इसका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था जो लोग पूछते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए या किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद ऐसे के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, मतलब पिलर्स क्या क्या हैं इंग्लिश ऐसे के जिसकी बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट का सब्जेक्ट ये वाला पास होता है या फेल होता है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है जिसको अक्सर कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं वो है ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते
और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं वो अपने सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को कि उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे आप सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें ताकि ग्रामर की मिस्टेक ना हो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, तो अगर इंग्लिश ग्रामर ही सही नहीं होगी तो आपका मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो शायद मार्क्स थोड़े कम कम मिले आपको, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो सेफ साइड खेलने के लिए आप ग्रामेटिकली अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको दूर करें, और पंक्चुएशन का प्रॉपर आपको यूज़ पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, एक्सक्लेमेशन कहाँ लगना है। उसके बाद आती है आपकी सीक्वेंस ऐसे की। अब सीक्वेंस जो होती है आपकी वो आउटलाइन से ही स्टार्ट हो जाती है। अब आउटलाइन में आपके मल्टीपल आपके आइडियाज होते हैं, मल्टीपल आर्गूमेंट्स होते हैं जिसमें आप सीक्वेंस रखते हैं अपने आर्गूमेंट्स की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस हमेशा इस तरीके से रखनी चाहिए कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आइडिया है वो फर्स्ट पे होगा, फिर उसके बाद जो जिसकी इम्पोर्टेंस फर्स्ट वाले से कम है वो सेकेंड पे, या थर्ड वाले पॉइंट पे आप थर्ड को रखें। कहने का मतलब ये कि जिसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस वाइज आप अपने आर्गूमेंट्स जनरेट करेंगे। अगर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप टॉपिक हिट कर रहे हैं जिस पॉइंट के साथ, अगर आपने वो नीचे रख दिया और नीचे वाला पॉइंट ऊपर रख दिया, तो ये सीक्वेंस बिल्कुल आपकी टॉपिक से मैच नहीं करेगी और आप अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आउटलाइन पढ़कर ही एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है। तो सीक्वेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपकी एक दफ़ा सीक्वेंशियल आउटलाइन बन जाएगी, उसके बाद आता है आपके पास रेलिवेंट। रेलिवेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इजी सी एग्जाम्पल ये कि आपका हर आइडिया, हर आर्गुमेंट डायरेक्ट हिट करे टॉपिक को। मतलब अगर कोई इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है वाटर क्राइसिस के ऊपर, तो आपको सिर्फ वाटर क्राइसिस के ही पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं आपको उसमें। बाघा बॉर्डर का इशू नहीं बताना या सियाचिन का इशू नहीं बताना। अगर वाटर क्राइसिस की बात हो रही है तो आप वाटर क्राइसिस को हर एंगल से कवर करें, उसके अंदर आप कश्मीर को नहीं ला सकते, या अगर कश्मीर को भी हाईलाइट कर रहे हैं तो उसमें भी वाटर क्राइसिस का इशू होना लाजमी है। हर आपका आर्गुमेंट जो आप इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली टॉपिक को हिट करे, उस टॉपिक से रिलेटेड हो बिल्कुल, उसको कहते हैं रेलिवेंसी। रेलिवेंसी के बाद आती है आपकी कोहेरेंस। अब रेलिवेंसी जो है आपके आइडियाज के लिए होती है, और कोहेरेंस जो है वो आपका कनेक्शन है एक पैराग्राफ्स का आपस में। मतलब अगर आपने ऐसे के अंदर 10 पॉइंट्स लिखे आउटलाइन में, तो आपके पैराग्राफ्स भी 10 ही होंगे। तो हर एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से आप कनेक्शन कैसे बना रहे हैं उसको कहते हैं कोहेरेंस। अब पूरे पैराग्राफ्स की आपको एक चेन बनानी है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका फर्स्ट आइडिया, उसको आप लिंक कैसे कर रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ के साथ, और सेकेंड को लिंक कैसे कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ के साथ। तो इनकी एक पूरी पैराग्राफ्स की चेन बनती है जिसको कहते हैं हम कोहेरेंस। अगर आपके ऐसे के अंदर सीक्वेंस है, रेलिवेंसी और कोहेरेंस है, तो आपका ऐसे का पेपर बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इजीली पास कर लेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास वो है कंप्लीट। अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि आउटलाइन में तो वो काफ़ी आइडियाज़ अपने बिल्ड कर देते हैं, मतलब 12 पॉइंट्स दे दिए, 15 पॉइंट्स दे दिए, लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो उनके पास टाइम इतना नहीं बचता है एंड में। तो आउटलाइन में उनके पैराग्राफ्स होते हैं 12, और पैराग्राफ वो बॉडी के अंदर लिखते हैं 8 या 9। तो जब एग्जामिनर चेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 10th पैराग्राफ पढ़ना है आपका डायरेक्ट, तो वो आउटलाइन में से 10th पॉइंट को सिलेक्ट करेगा और उसी पैरा पे जाएगा। तो अगर आपने 10th पैराग्राफ लिखा हुआ ही नहीं होगा तो वो समझ जाएगा कि आपका ऐसे कंप्लीट नहीं है, चाहे वो आपने हाईलाइट किया हो अपनी आउटलाइन के अंदर। अगर उसका पैराग्राफ बॉडी में नहीं है या आपने उसकी सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया पैराग्राफ्स की, तो वो इनकम्प्लीट काउंट होगा, और इनकम्प्लीट ऐसे पे कभी भी मार्क्स नहीं मिलते। तो ये इसके बेसिक एसेंशियल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देने वाला हूँ इंट्रोडक्शन की और बॉडी के रिलेशनशिप की। फॉर एग्जांपल ये आप एक बॉडी देख रहे हैं, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है। अब ये काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी हेड नहीं है। इसकी बॉडी भी अच्छी है, इसने सूट भी अच्छा पहना हुआ है, लेकिन अभी ना इसका हेड है ना इसकी लेग्स है, मतलब ना इसका इंट्रोडक्शन है अभी ना कॉन्क्लूजन है, इसलिए आपकी बॉडी अभी ये यूजलेस है। अब जो भी आपकी बॉडी है, आपने चाहे कितनी भी अच्छी लिखी हुई हो, अगर उसका हेड मतलब इंट्रोडक्शन अगर आपने रेलिवेंट नहीं लिखा हुआ, तो वो आपकी पूरी बॉडी को बेकार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बॉडी है,
आप ये देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर मैं इररेलीवेंट इंट्रोडक्शन मतलब इररेलीवेंट हेड लगा दूं तो आपका ऐसे कुछ इस तरीके का दिखेगा। ह्यूमन बॉडी है और इंट्रोडक्शन या हेड किसी एनिमल का है, तो कोई मैच नहीं बन रहा इनका। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपने बॉडी तो अच्छी लिखी है लेकिन अगर इंट्रोडक्शन आपने उस टॉपिक को हिट नहीं किया इंट्रोडक्शन में, या टॉपिक आपने रेलेवेंट या उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा, तो आपकी बॉडी इस तरीके की दिखेगी जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है। और अगर इसी बॉडी के ऊपर आपने रेलेवेंट हेड लगा दिया मतलब कि रेलेवेंट इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक को हिट किया डायरेक्ट आपने इंट्रोडक्शन में, तो फिर आपकी बॉडी ऐसी दिखेगी। आपने बिल्कुल इस रेलेवेंट इस बॉडी के हिसाब से उसका हेड लगाया है मतलब कि आपने बिल्कुल रेलेवेंट इंट्रोडक्शन उसका लिखा है, तो आपकी बॉडी कंप्लीट हो गई है और उसकी जो भी क्वालिटीज थी अब उसकी पूरी क्वालिटीज आपके सामने है, तो आपका ऐसे इस तरीके का दिखेगा। अब इसी में अगर सीक्वेंस को मैं डिफाइन करूँ तो सीक्वेंस आपके इसके फेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो इसके आईज हैं, आईज अगर आप नोज की जगह रख दें और नोज को आप आईज की जगह रख दें तो ये कैसा लगेगा। तो आईज को आईज की जगह पर रखना है और नोज को नोज की जगह पर रखना है, मतलब जो पॉइंट नंबर वन पे आना चाहिए वो नंबर वन पे ही आना चाहिए, वो अगर आपने नीचे कर दिया तो वो पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ खो देगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है बॉडी और इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इंट्रोडक्शन बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है आपके पूरे ऐसे का, जितने पॉइंट्स आप अपनी बॉडी में डिफाइन करेंगे, जितने पैराग्राफ्स लिखेंगे, उन सब का रिफ्लेक्शन आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। और वो आपका इंट्रोडक्शन जब तक रेलेवेंट नहीं होगा तो आपकी बॉडी यूजलेस रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे एक्चुअली है क्या, जो ऐसे है ये एक्चुअली ए से है। अब ए से का मतलब क्या है, ए से का मतलब है वॉट यू से, मतलब कि एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई जो टॉपिक आपको गिवेन है आप उसके बारे में क्या कहते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। तो वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई वर्ल्ड टाइम्स में क्या लिखा हुआ है इस ऐसे के ऊपर, या कारवान सीरीज में इस ऐसे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो ये पूछ रहा है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहते हो। ज्यादातर कैंडिडेट्स का रेशियो इसलिए भी फेल होता है कि वो क्रैम करते हैं, रट्टे मारते हैं ऐसे इसके। ऐसे का पेपर कभी भी रट्टा मार के आप पास नहीं कर सकते जब तक इसमें आपकी अपनी अप्रोच अपनी थिंकिंग शामिल नहीं होगी। ऐसे का मतलब है आप इसके बारे में क्या कहते हैं और आपके अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो इससे ज्यादा सिंपल मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकता हूँ ऐसे समझाने के लिए। अब एफपीएससी हमसे डिमांड क्या करता है ऐसे के पेपर में, आपको एक लिस्ट गिवेन होती है पेपर के अंदर 8 to 10 टॉपिक्स की, आपको जिसमें से एक चूज करना होता है और उस एक टॉपिक के ऊपर आपको 2500 to 3500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। अब एफपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है उस टॉपिक के अंदर, वो कह रहा है कि भाई जो भी आपको टॉपिक गिवेन है उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप जो भी टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपकी अपनी नॉलेज होनी चाहिए। बुकिश लैंग्वेज वो आपसे नहीं मांग रहा, वो खुद भी बुक पढ़ सकता है। वो आपका अप्रोच आपकी लेवल आपका एनालिसिस वो लेवल चेक कर रहे होते हैं कि आपकी अप्रोच कितनी है, और जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हो उसके लिए लाजमी है कि आप रिसर्च बेस्ड नॉलेज डालें उसमें, मतलब के फैक्ट्स डालें, रेफरेंसेस डालें, कोटेशंस डालें। आप जो भी अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं अगर आपने उसके साथ कोई कोटेशन या रेफरेंस दे दिया तो आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि वो टेक्निकल ट्रीटमेंट मांगते हैं आपकी इंग्लिश से, मतलब कि जो भी ग्रामर के रूल्स हैं लाजमी है कि आप वो सारे रूल्स फॉलो करें, जो आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन है वो आप इंग्लिश के रूल्स फॉलो करें, और जो भी आप वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं वो सब, या जो भी स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज के बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज को अवॉइड करना है आपको। ये तो बात थी कि एफपीएससी हमसे क्या डिमांड करता है। अब बात करते हैं कि हम ऐसे के पेपर में क्या करते हैं और एफपीएससी के साथ क्या करते हैं, और उसका एक सिंपल सा आंसर है ब्लंडर्स ब्लंडर्स एंड ब्लंडर्स। हम इतने ब्लंडर्स मारते हैं कि एफपीएससी वाले बेचारे खुद परेशान हो जाते हैं, इसीलिए पासिंग रेशो इतना कम है। अब वो ब्लंडर्स क्या क्या होते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको प्लस पॉइंट्स बताएं इसी को आप इन्वर्ट कर दें तो वो सारे हमारे ब्लंडर्स होते हैं।
अब ये एफपीएससी का एक प्रूफ है जिसमें आप हर बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई 80% बंदे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं लास्ट ईयर, जिसमें उनकी पहली मिस्टेक क्या थी, रैंडम उनके टॉपिक्स थे, मतलब रेलेवेंट नहीं था टॉपिक, जो भी टॉपिक वो आइडिया जनरेट कर रहे थे वो रेलेवेंट नहीं थे, रैंडम थे, कोई पॉइंट टॉपिक को हिट कर रहा था और कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, कोई रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं थे, मतलब कि क्रैमिंग की हुई थी लोगों ने और वो एज इट इज बुकिश लैंग्वेज में ऐसे अटेम्प्ट कर रहे थे। कोई उनके पास कोहेरेंस नहीं थी, कोहेरेंस नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये इमेज दिखाता तो आपको रेलेवेंस और कोहेरेंस का रिलेशनशिप समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इन टर्म्स को पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोहेरेंस और क्रिएटिविटी की क्या बात कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई जिन्होंने आर्ग्यूमेंट जनरेट कर भी लिए तो वो लिमिटेड उनका एनालिसिस था, मतलब कि वो टॉपिक को हर एंगल से कवर नहीं कर रहे थे, ना उन्होंने फैक्ट्स दिए थे अपने टॉपिक को प्रूव करने के लिए या अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए। उसके बाद ऐसे की आउटलाइन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, मतलब सीक्वेंस नहीं थी, और काफ़ी स्क्रिप्ट्स में इनकम्प्लीट था, मतलब कि जो टॉपिक उन्होंने या जो अपना आइडिया आउटलाइन के अंदर डिस्कस किया है वो ऐसे में नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट वाली बात आपको मेरी अब यहाँ पर याद आ रही होगी। तो अब उन सारे पॉइंट्स को आप इस जजमेंट के अंदर देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे हर एक पॉइंट यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि भाई ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात एंड में कि कैंडिडेट्स वो लिखते हैं जो उनको पता होता है, वो नहीं लिखते जो उनसे पूछा गया या मांगा गया है। तो सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही होता है कि वो अपनी सारी नॉलेज तो झाड़ देते हैं लेकिन वो यूजलेस होती है क्योंकि वो उनसे पूछा ही नहीं गया होता। अब ये यहाँ पे मैंने एक सैम्पल पेपर ऐड किया है इंग्लिश पास पेपर का 2016 का। अब इसमें मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा जिनमें सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं इसमें दूंगा कि ऐसे के पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो पहले हम टॉपिक्स को देखते हैं फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि तैयारी कहाँ से करनी है। अब ये जो पूरे 10 टॉपिक्स गिवेन है आपको इसमें इसमें आप देखें तीन कैटेगरीज आपको नज़र आएंगे और ये तकरीबन हर पेपर में इसी तरह होता है, सिर्फ आपको टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंड करना है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपको तीन कैटेगरीज क्लियरली नज़र आएंगे, एक पाकिस्तान अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स, वुमेन रिलीजन और एजुकेशन। ये तीन से चार कैटेगरीज हैं जिनको अगर आपने कवर अप कर लिया जो आप दूसरे पेपर्स में करेंगे तो आपका ऐसे के पेपर के लिए कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालते हैं, पहले पाकिस्तान अफेयर्स को देख लेते हैं। अब टॉपिक नंबर 3 जो है, टॉपिक नंबर 3 में आप देख रहे हैं वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी एक अलग आइडिया है और वाटर क्राइसिस एक अलग आइडिया है, लेकिन हमें ये पता है कि ये पाकिस्तान की बात कर रहा है। अब इसको हम हर एंगल से किस तरीके से कवर करेंगे, तो इस टॉपिक में पहले हम वाटर क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, फिर अच्छा एंड जो है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और नेशनल यूनिटी की हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक आपका पाकिस्तान अफेयर्स में से ईजिली कवर होगा, जिसमें आप पाकिस्तान के इशूज़ पढ़ेंगे, वाटर क्राइसिस पढ़ेंगे, इंडिया के साथ रिलेशन शिप्स पढ़ेंगे, फिर चाइना के जो बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान से, जहाँ से पानी का आपका इंडिया चाइना जहाँ से भी फ्लो हो रहा है, ये सारे आप पहले ही करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में कवर कर चुके होंगे। उसके बाद दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स का जो टॉपिक है वो नंबर 4 पे ही है, द प्लेस ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन मेकिंग उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ये भी आपका पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है सीधा सीधा, जो ऐसे में आपको पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन उठा के दे रहा है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक पे आए आप, फिफ्थ टॉपिक पे देखें तो क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ये थर्ड टॉपिक इसने अभी अभी पाकिस्तान अफेयर्स से निकाल दिया। फिर सिक्स नंबर देखें, प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, परस्पेक्टिव प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ये भी आपका इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से पूरा का पूरा एक टॉपिक ईजिली कवर हो रहा है। तो चार टॉपिक्स तो हम अभी तक पाकिस्तान अफेयर्स के इसमें देख चुके हैं। उसके बाद नंबर 8, द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, इम्प्लीकेशंस फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री। ये भी पाकिस्तान अफेयर्स में से कवर हो रहा है। अब देखते हैं ये 4 से 5 टॉपिक्स तो ईजिली पाकिस्तान अफेयर्स के इन्होंने ही पेपर के अंदर ऐड कर दिए हैं, ऐसे के पेपर के अंदर, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के सिलेबस से और पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस से। अब दूसरी कैटेगरी जो होती है इसमें होती है वो करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स में इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो नंबर 1 है
वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, मतलब ये पूरा का पूरा इसमें ग्लोबलाइजेशन, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो भी ग्लोबलाइजेशन के टूल्स और एलिमेंट्स हैं, ये सब इसके अंदर डिस्कस होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया करंट अफेयर्स का। दूसरा आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक नंबर 9 पर है, डस फॉरन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी डिस्कस होगा और पाकिस्तान अफेयर्स भी डिस्कस होगा। उसके बाद आप देखें, ये दूसरी जो कैटेगरी बन गई करंट अफेयर्स की, इसमें आपके पास 2 से 3 टॉपिक्स गए हैं। थर्ड कैटेगरी होती है वुमेन इश्यूज के ऊपर। हर साल कोई ना कोई एक टॉपिक वुमेन इश्यूज के ऊपर लाजमी आता है, कभी राइट्स के ऊपर आता है, कभी इंपॉर्टेंस के ऊपर आता है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 7 पर, जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ। ये पूरा वुमेन इश्यूज के ऊपर है। वर्ल्ड वाइड जो भी वुमेन के साथ इनइक्वेलिटीज होती हैं, जो भी इशूज हैं, जो हिस्ट्री है, वो सब इसके अंदर कवर होगा। उसके बाद नंबर 10 पर एक ये टॉपिक दिया वुमेन इशूज के ऊपर, फ्रेलिटी था या नहीं मिस वुमेन। इसी तरह ये आपकी तीसरी कैटेगरी बन गई है वुमेन की। इसी तरह आपके पास कभी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आता है, कभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आता है। तो ये चार मेजर कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें से आपके हर पेपर में 2 से 3 टॉपिक्स मैच करते हैं। तो अगर आप ये चार सब्जेक्ट्स अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, वुमेन, रिलीजन और इस टाइप के आप मेजर इश्यूज कवर कर रहे हैं, या एक दो टॉपिक लिटरेचर से आते हैं, जैसे कि आपका सेकंड नंबर पर लिटरेचर का है, वी हैव टू लर्न टू बी अवर ओन बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज वी फॉल टू ईजिली इन टू द ट्रैप ऑफ बींग अवर ओन वर्स्ट एनिमीज। लिटरेचर के इस टाइप के कोई कोटेशन आ गया, कोई ईडियम आ गया, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो तीन कैटेगरीज हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, रिलीजन, वुमेन और इस टाइप की रेंज है, इसको अगर आपने सही ग्रिप की हुई है इन सब्जेक्ट्स को, तो ऐसे के आपका सारा मटेरियल वहीं से निकलेगा। ऐसे के पेपर की तैयारी अलग से नहीं होती। जो भी आपकी नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट्स की है, स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, वो आपको ऐसे के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप ये आपको पेपर एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पेपर सेट करते हैं और टॉपिक्स की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं इसमें। टॉपिक्स रैंडम नहीं होते, ये अपनी कैटेगरीज के अंदर ही होते हैं। अब टॉपिक चूज करना भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक सिलेक्ट सही नहीं किया तो आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर ही फेल हो जाएंगे बगैर पेपर अटेम्प्ट किए हुए। क्योंकि आपने अगर टॉपिक सिलेक्ट सही नहीं किया तो आप वो कॉम्प्रिहेंड भी सही नहीं कर पाएंगे, और अगर टॉपिक सही कॉम्प्रिहेंड नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी भी बिल्कुल गलत होगी। अब चूज कैसे करें टॉपिक को? टॉपिक चूज करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर पूरा क्यों पढ़ना है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पेपर वो पूरा नहीं पढ़ते। जैसे आपको पेपर मिला, उसमें 10 टॉपिक दिए मैंने, आप रीड करते हुए आ रहे हैं, थर्ड या फोर्थ नंबर पर आपको कोई ऐसा टॉपिक लाजमी दिखता है जिस पर आपको ये लगता है कि यार मुझे ये आता है टॉपिक, तो आप वहीं उसको मार्क करके उसी को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, नीचे नहीं पढ़ते। तो पेपर वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स पता चल सके, हो सकता है उससे ज़्यादा ईजी सब टॉपिक नीचे हो। तो एक दफ़ा आपको पूरा पेपर रीड करना है, वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, ताकि हर टॉपिक की आपको स्ट्रेंथ पता चल सके और आपके जो जोन्स हैं, स्ट्रॉन्ग जोन्स और वीक जोन्स, उनका आपको अंदाज़ा हो सके। उसके बाद जब आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट कर सकेंगे 3 से 4 ऐसे, इसका मतलब आपको 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे उस पूरी लिस्ट में जिनको आप ये समझ सकेंगे कि हाँ आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उन 3-4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे? वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आपको वो आप टोटली कॉम्प्रिहेंड कर चुके हो, मतलब उस टॉपिक के अंदर कोई भी एक ऐसा वर्ड ना हो जिसकी आपको मीनिंग ना आती हो। उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपके समझ में आ रही हो, ऐसा एक वर्ड भी उसमें ना हो जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो, क्योंकि अगर आपने उसकी मीनिंग गलत दर्ज कर ली तो आपका पूरा टॉपिक गलत हो सकता है। फिर जब आप टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, उसमें जो सबसे ईजी टॉपिक होगा, जो बिल्कुल सबसे ईजी टॉपिक हो, वो आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप सेफ साइड खेल सके। क्योंकि अगर आपने रिस्क लिया किसी टफ टॉपिक की तरफ जाने का, तो उसमें चांसेस तो अच्छे स्कोर के होते हैं, लेकिन फेल होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो टफ टॉपिक्स होते हैं और वो कम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो जो वो पास करते हैं तो उसमें स्कोर भी उनका हाई होता है, लेकिन
रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होता है उसमें। तो ज़्यादा अच्छी बात यही रहेगी कि आप इजीएस्ट टॉपिक की तरफ जाएं। उसके बाद जो कन्वेक्शंस होते हैं उनके ऊपर स्पेशल आपको फोकस करना है, जिसमें जैसे टॉपिक के बीच में एंड होता है, बट होता है, इस टाइप के जो वर्ड्स टॉपिक्स के अंदर होते हैं इनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि ये वर्ड्स पूरी मीनिंग चेंज कर देते हैं टॉपिक की। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये एक टॉपिक था हमारा वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, इसके अंदर इन्होंने कंजंक्शन यूज की भी एंड की। अब ये एंड जो है ये डिसाइड करेगा कि आपको किस फ्रेज को यानी किस सेंटेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किस फ्रेज को कम इम्पोर्टेंस देनी है। अब वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, तो जहाँ पर भी एंड होता है सेंटर में, जहाँ पर भी एंड होता है उसमें आपको एंड से पहले वाले सेंटेंस को और बाद वाले सेंटेंस को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है। मतलब कि आपका 50% ऐसे वाटर क्राइसिस के ऊपर होगा और 50% ऐसे नेशनल यूनिटी के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कर सकते आपके वाटर क्राइसिस के ऊपर आपने 80% लिख दिया और 20% आर्ग्यूमेंट्स आपके नेशनल यूनिटी पे, तो ये मार्क्स आपके कट होने के ज़्यादा इसमें चांसेस हो जाते हैं अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उसके एक एंड वाली चीज़ हो गई, एक अक्सर यूज करते हैं वो बट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एंड की जगह पे बट होता फिर हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तो जिस ऐसे के अंदर, जिस टॉपिक के अंदर बट यूज हो उसमें आपको बट के बाद वाले टॉपिक के ऊपर, बट के बाद वाले आइडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता वाटर क्राइसिस बट नेशनल यूनिटी, तो आप वाटर क्राइसिस के ऊपर 35 या 40% लिखते, बाकी 60% आप नेशनल यूनिटी के ऊपर लिखते। तो इस तरीके से हमें टॉपिक समझने होते हैं, कॉन्ट्रेक्शंस और कंजंक्शन समझनी होती हैं। उसके बाद ये जो सिंबल्स यूज करते हैं फुल स्टॉप के, एक्सक्लेमेशन के या क्वेश्चन मार्क के, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। काफ़ी लोग इन इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जब भी वो फेल होते हैं। अब जिस टॉपिक के एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब वो उसने आपको अपना आइडिया दे दिया है, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी है जिस टॉपिक के भी आप आगे फुल स्टॉप देख रहे हैं, मतलब कि उन्होंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि भाई जो पेपर कह रहा है वो बात सही है, तो आपको उसके फेवर में ही जाना है। मतलब जो भी बात उसने कही है उसको आपको प्रूफ करना है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। अगर अगर आप समझते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट में ज़्यादा हैं तो आप अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स जो एग्जामिनर है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आप अपनी बात प्रूव कर सकें इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो ताकि एग्जामिनर के अगेंस्ट जा सकें, वरना ज़्यादातर आपको उसके फेवर में जाना होता है। यानी कि इधर आपको चॉइस नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में जाएं, लेकिन जिस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन मार्क है, जैसे ये टॉपिक है डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें आपके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, मतलब आप इसके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं और इसके फेवर में भी जा सकते हैं। जिस जिस पोर्शन में आपके पास ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं आप उसके ऊपर अपना ये ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वही बात करें जो एग्जामिनर कह रहा है, आप इसमें इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। टॉपिक सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन का जो पूरा टाइम होता है वो 5 to 10 मिनट्स लगते हैं आपको एक सही टॉपिक सिलेक्ट करने में। तो अगर आपने टॉपिक सही सिलेक्ट कर लिया अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो 5 to 10 मिनट्स में 50% आपका ऐसे पास हो चुका होता है, फिर आपको सिर्फ उसको कॉपी के अंदर लिखना होता है। लेकिन अगर आपने गलत टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो इसी 5 to 10 मिनट्स में आप फेल भी हो जाते हैं, मतलब फिर आप गलत ऐसे लिखें वो सब यूजलेस होता है। आप फेल या पास पहले 50% हो चुके होते हैं टॉपिक सिलेक्शन की, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब की एलिमेंट्स क्या क्या हैं एक ऐसे के जो किसी भी कैंडिडेट्स को पास या फेल करवाते हैं, उसको हम देखते हैं। अब एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है ऐसे का, तो स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। सबसे पहले आउटलाइन होती है ऐसे की। आउटलाइन में पूरा आपका ऐसे डिफाइंड होता है कि भाई आप यही अपनी बातें पूरे ऐसे के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसका एक स्ट्रक्चर पूरा बनाया है ऐसे का, जिसमें इंट्रोडक्शन है आपका ऐसे का, फिर ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3 एंड सो ऑन। ये आपके सारे आइडियाज हैं, मेजर आइडियाज, और ये सब पॉइंट जो है ये आपके माइनर आइडियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपने करप्शन के ऊपर कोई बात की है तो आप उसके सब पॉइंट्स में दे सकते हैं कि करप्शन क्यों बढ़ रही है, करप्शन के इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, या कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से करप्शन नहीं रुक रही। फिर एक आइडिया में आपने करप्शन की बात कर ली, दूसरा आइडिया में अगर आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसके सब पॉइंट्स में टेररिज्म की काइंड दे सकते हैं, उसके इम्पैक्ट्स दे सकते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म क्यों फैल रही है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो रही। फिर इसी तरह थर्ड आइडिया है, ये यहाँ पर मेजर आइडिया होता है, उसके सब पॉइंट्स में आप उसके माइनर आइडियाज देते हैं। इसी तरह आप जितने भी आइडियाज आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं बॉडी के अंदर, और एंड में कॉन्क्लूजन। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है और कॉन्क्लूजन का एक पैराग्राफ होता है, बाकी पैराग्राफ्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं। ये होता है ऐसे का पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, पूरा एक कंप्लीट बॉडी। अब आउटलाइन के बाद जब आप ऐसे शुरू करते हैं तो वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आती हैं। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बाद उस आती है उसकी बॉडी। बॉडी के अंदर आपके मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, मतलब जितने भी आइडियाज आपने बिल्ड किए हैं अपने आउटलाइन के अंदर, ये सारे पॉइंट्स, इन सब पॉइंट का एक एक पैराग्राफ होता है, मतलब एक आइडिया एक पैराग्राफ, एक आइडिया एक पैराग्राफ। अगर आपने इस पॉइंट को नाम दिया है टेररिज्म और पॉइंट टू को नाम है करप्शन, तो आप फर्स्ट पॉइंट के पैराग्राफ में सिर्फ टेररिज्म की बात करेंगे, करप्शन उसके अंदर ऐड नहीं होगा। और जब आप सेकंड पॉइंट की बात करेंगे करप्शन की, तो उसमें आप फर्स्ट पॉइंट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसको आप एक अलग पैराग्राफ बना चुके हो। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट का एक अलग पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो यहाँ मैंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, और वो सेंटेंस आपके उस आइडिया को डिफाइन करता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो जो भी आपका आइडिया है वो आप एक सेंटेंस के अंदर डिस्प्ले कर देते हो कि भाई मैं अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर इस पॉइंट की बात करूंगा। टॉपिक सेंटेंस आता है, उसके बाद आप 5 to 6 या जितने भी आपको सेंटेंसेस लिखने हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स वो आप लिखते हैं। जब आप आर्ग्यूमेंट्स अपने दे देते हैं फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस और रेफरेंसेस की, ताकि जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए आप उसको स्ट्रेंथन कर सको, उसको कॉन्क्रीट कर सको। उसके बाद आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो सिर्फ उस पैराग्राफ के लिए होता है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस उस पैराग्राफ का और लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस उस पैराग्राफ का। यहाँ पे एक एक आइडिया आपका फिनिश होगा, फिर आप दूसरे पैराग्राफ में दूसरा आइडिया शुरू करेंगे। तो इसकी सीक्वेंस कैसे बनेगी, टॉपिक सेंटेंस, फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे जितने भी आप सेंटेंस लिखना चाहो, फिर उसके बाद कोई भी आप रेफरेंस दे दें, कोई कोटेशन दे दें ताकि आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो सके, और कंक्लूजिंग सेंटेंस पे आपका एक पैराग्राफ खत्म। इसी तरह आप जितने भी आपके आइडियाज हैं आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने सारे पैराग्राफ्स लिखेंगे, और उसके बाद आता है आपका कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन भी इंट्रोडक्शन की तरह एक पैराग्राफ है जिसके अंदर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्लेक्शन देते हैं अपने ऐसे की, मतलब जो जो आपने पूरे ऐसे में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं एग्जामिनर को, उसकी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन तो नहीं, एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर आपका रिजल्ट भी होता है और फाइंडिंग्स भी होती है जो आपने एनालाइज की है उस पूरे टॉपिक के बारे में। जो भी आपकी पूरी रिसर्च होगी, जो भी आपके फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो सब उस कॉन्क्लूजन के अंदर एक पैराग्राफ में आपको रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने इस पूरे ऐसे में ये बातें की और इस तरह अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव किया। ये सिंपल कॉन्क्लूजन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ऐसे का, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक अपने ऐसे की एक आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ, ये एक पास्ट पेपर का टॉपिक है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में अटेम्प्ट किया था, और मुझे जाहिर सी बात है CSP ऑफिसर्स ने ही पढ़ाया, जितने मेरे टीचर्स थे वो सारे CSP ऑफिसर्स थे और ये चेक चेक भी वही करते थे। और ये टॉपिक मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि ये ऐसे मैंने CSP ऑफिसर्स से चेक करवा कर पास किया था, मतलब इस टॉपिक में मैंने अटेम्प्ट करके 46 मार्क्स गेन किए थे। इसलिए ये टॉपिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडियाज हो गए कि आउटलाइन एक्चुअली कैसे बनती है। अब ये जो टॉपिक है, वॉर ऑन टेरर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें एंड भी आ रहा है, 2 से 3 आइडियाज भी हैं, तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर आइडियाज कितने हैं। तो पहला जो आइडिया वो बात कर रहा है वो वॉर ऑन टेरर की है, सेकेंड आइडिया कॉन्ट्रीब्यूशन का है,
और तीसरा आइडिया ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स का है, मतलब कि ये तीन चीज़ों की बात कर रहा है पूरे ऐसे के अंदर, वॉर ऑन टेरर, फिर उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन किस में, ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसको ये टॉपिक तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहला पोर्शन वॉर ऑन टेरर का होगा, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन का, तीसरा ह्यूमन राइट्स का। तो अब इसकी आउटलाइन की तरफ आते हैं। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इधर आएगा। दूसरा मैंने डायरेक्ट हिट किया है वॉर ऑन टेरर को, जो पहला आइडिया था वो मैंने अपने पहले पॉइंट पे रखा है, और डायरेक्टली कीवर्ड यूज किया है वॉर ऑन टेरर का, यानी रूट कॉजेस क्या थे वॉर ऑन टेरर के। अब आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होगा कि वॉर ऑन टेरर है क्या, कब हुई थी, क्यों हुई थी। तो अब इसके मैंने एक आइडिया दिया मेजर कॉजेज ऑफ वॉर ऑन टेरर, फिर इसके मैंने दो सब माइनर पॉइंट्स दिए, मिसमैनेचर ऑफ 9/11, स्ट्रेंथेंड मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक अलकायदा एंड टीटीपी। मतलब रूट कॉजेस क्या क्या थे वॉर ऑन टेरर के, तो मैंने 9/11 का एक इंसिडेंट इसमें डिफाइन किया, और जो तालिबान के ग्रुप्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनकी वजह से वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, जो यूएसए ने स्टार्ट की थी। ये बात कर दी मैंने इंट्रोडक्शन और सेकेंड पॉइंट में वॉर ऑन टेरर की। थर्ड पॉइंट, अब मैं आ रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ मैं किस तरीके से आ रहा हूँ, मैंने बताया कि भाई जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी यूएसए की, उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए पूरे रीजन के ऊपर टेररिज्म से लड़ते हुए। मतलब वॉर ऑन टेरर टेररिज्म ख़त्म करने के लिए थी, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आए इस पूरे रीजन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, इनके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। ये मैंने इसका मेजर आइडिया दे दिया। अब मैं इसके सब पॉइंट्स में इसको ब्रेक करूँ पूरे टॉपिक को। तो इसके सब पॉइंट में क्या दिया मैंने, नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान, डू और डाई सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। मैंने दोनों कंट्रीज को इसमें हाईलाइट किया, क्योंकि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही हुई थी। तो पहले पॉइंट में यानी अफगानिस्तान में क्या हुआ था, ह्यूमन राइट्स को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया था, वो बिल्कुल इन्वेड कर रहे थे, और कितने ज़्यादा उधर बंदे मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दबा हो रहा है, उसको कोई वो कंसिडर नहीं कर रहे थे, सिर्फ बॉम्बिंग कर रहे थे अफगानिस्तान में। तो इस तरह से इसकी कंट्रीब्यूशन हुई ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ करने की। और दूसरी जो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन थी, वो डू और डाई की सिचुएशन थी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था उस वक्त का, उसने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि इस वॉर में आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी डू और डाई सिचुएशन थी, अगर वो अगेंस्ट जाते यूएसए के तो वो पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग करते, और अगर साथ दिया तो उसके अब इम्पैक्ट आज तक भुगत रहे हैं जो तालिबान पैदा हो गए। उसके बाद मैंने फोर्थ मेजर पॉइंट दिया वॉर एंड पीस। अब देखें, मैं ह्यूमन राइट्स को, कंट्रीब्यूशन को, और वॉर ऑन टेरर को एक ही पॉइंट के अंदर मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये एक मैंने पॉइंट दिया वॉर एंड पीस, टू फेसेस ऑफ अ कॉइन, मतलब कि वॉर एंड पीस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते एक जगह पे, क्योंकि अगर वॉर होगी तो पीस नहीं हो सकता, और जहाँ पे पीस होगी वहाँ पे वॉर का सवाल पैदा नहीं होता। तो जब वॉर हुई तो इनोसेंट पीपल की किलिंग्स हुई बहुत ज़्यादा, स्टेट के आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, स्टेट के अंदर के और स्टेट के दूसरे स्टेट्स के साथ, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए। उसके बाद पीस ख़त्म हो गया, फिर जो पॉपुलेशन थी वो पैरालाइज हो गई, फ्रीडम उनका ख़त्म हो गया, और एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ खास ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा वो जुल्म कर रहे थे, तो वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बढ़ती गई और टेररिज्म भी वहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि ह्यूमन राइट्स कैसे वायलेट किए इस मिनट में। पहले पॉइंट, ये एक मेजर पॉइंट दिया है मैंने, फिर उसके सब पॉइंट्स दिए कि क्या क्या नुकसान हुआ अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। मैसिव लॉस यानी बहुत ज़्यादा बंदे मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, काफ़ी लोग बेघर हो गए, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तबाह हो गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी थी, नो गो एरियाज बहुत ज़्यादा बन गए थे, फ्रीडम ख़त्म हो गया था लोगों का। तो ये सारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी वॉर ऑन टेरर के बाद, क्योंकि काफ़ी फोर्सेज अफगानिस्तान में लैंड कर चुकी थी, तो उन्होंने एक तरीके से होस्टेज कर लिया था पूरे रीजन को। फिर उसके बाद हम देखते हैं साइट ऑन अफेक्टेड रीजन थ्रू इंटरनेशनल प्रिज्म विच एड्स फ्यूल टू अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब कि इंटरनेशनल प्रिज्म के जरिए अगर हम देखें उस रीजन को तो क्या क्या नुकसान हुए।
वहां पर एफडीआई रिस्ट्रिक्ट हो गई, मतलब क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई अफगानिस्तान के लिए, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक डिप्राइवेशन हो गई कि कोई वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई फॉरेन कंट्री वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, और एक दोनों स्टेट्स का नेगेटिव इमेज दुनिया में जा रहा था कि यहाँ पर से टेररिज्म पैदा हो रही है, और यही वो स्टेट्स हैं जिनकी वजह से टेररिज्म फैल रही है पूरी दुनिया में। तो एक ये गलत इम्पैक्ट जा रहा था जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज इन दो कंट्रीज से अपने रिलेशंस खत्म कर रही थी। उसके बाद मैंने सेवेंथ इसमें मेजर पॉइंट दिया जिसमें मैंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान को हाईलाइट किया है, वॉर ऑन टेरर इन पाकिस्तान एंड इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि वॉर ऑन टेरर तो शुरू अमेरिका ने की थी अफगानिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स है, जो ये मेजर पॉइंट है इसका, मतलब मेजर आइडिया है मेरा, और मैं इसके अंदर इन माइनर पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जिसमें पहला पॉइंट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वॉर, मतलब 118 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को टोटल नुकसान हुआ था वॉर ऑन टेरर के ऊपर, और मैनिपुलेशन ऑफ बजट हुई थी, मतलब जो बजट एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगना चाहिए था वो सारा पाकिस्तान ने डिफेंस के ऊपर लगा दिया था, कॉस्ट बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान का लेवल नीचे आता जा रहा था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, बिल्डिंग्स वगैरह पूरे पूरे शहर खाली हो गए थे, लोगों की मिसअलोकेशन हुई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदी लग गई थी, रिलीजियस टॉक्स के ऊपर पाबंदी लग गई थी, सोसाइटी में इनइक्वेलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को, मतलब इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जिसमें मैंने पाकिस्तान के वायलेशन डिस्कस की थी, किस तरह पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में नुकसान हुआ था, और उसके बाद कंक्लूजन। अब इस कंक्लूजन के जो पैराग्राफ है इसमें सारे पॉइंट्स दोबारा डिफाइन करूंगा कि ये चीज़ें मैंने अपने ऐसे के अंदर डिस्कस की हैं और मेरी फाइंडिंग्स, या मैंने ये कंक्लूड किया है जो जिसका रिजल्ट ये है, ये एक पैराग्राफ में लिख के आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। आई होप कि काफी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अब पॉइंट यह तक तो ठीक था, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं, जिस तरह कॉन्क्लूजन लिखते हैं उसी तरह इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, या जो भी कोई नॉर्मल पैराग्राफ हम लिखते हैं उसी तरह लिखते हैं ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसका तरीका है। सबसे पहले सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है जो पूरे आपके आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, डिफाइन करता है कि इस टॉपिक के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर ये बातें होने जा रही हैं। अब जो पूरे ऐसे का इंट्रो होता है उसमें आपको पूरे ऐसे की बात करनी होती है, जैसे वॉर ऑन टेरर की हम बात कर रहे थे तो पूरे टॉपिक की रिफ्लेक्शन आपके इस एक सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए। फिर जब आप ये एक सेंटेंस लिख लेंगे, और ज़रूरी है कि वो डायरेक्टली आपके टॉपिक को हिट करे, मतलब इधर उधर आप ना निकल जाए कि कोई और पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर दें, बिल्कुल डायरेक्टली सिंपल सेंटेंस में टॉपिक को हिट करें कि भाई जो भी आप बात कह रहे हो वो सही है और इसको मैं आगे प्रूव करूंगा। आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस आइडियाज में आप अपने 8, 10, 12 जितने सेंटेंसेस आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं वो लिखें, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, इसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, एक दो सेंटेंस के अंदर आप उसको पूरा ऐसे का क्रक्स बताएंगे कि भाई पूरे ऐसे की बात मैं दो सेंटेंसेस में कर रहा हूँ, मतलब टॉपिक सेंटेंस, फिर आर्गुमेंट्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। इस एक पैराग्राफ में आपको पूरा ऐसे डिफाइन हो जाना चाहिए दो दो वर्ड्स में या दो दो सेंटेंसेस में। इंट्रोडक्शन में आपके पूरे ऐसे की एक रिफ्लेक्शन होती है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस चेकर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को देते हैं। अगर उनको ये चीज़ समझ में आती है तो फिर वो आपकी बॉडी की तरफ जाएगा, अगर उसको आपकी बॉडी सही नहीं लगी या इंट्रोडक्शन सही नहीं लगा, सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन देखते हैं, आउटलाइन सही लगेगी तो फिर वो इंट्रोडक्शन पे जाएगा, इंट्रोडक्शन सही लगेगा फिर वो कंक्लूजन पे जाएगा, जब ये तीनों चीज़ें उसको सही लगेंगे फिर वो बॉडी पढ़ के आपको मार्क्स देगा। अगर आउटलाइन सही नहीं लगी या इंट्रो सही नहीं लगा तो आपका ऐसे पढ़ेगा ही नहीं और आपको फेल कर देगा। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड है इसका पूरा, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो सबसे आसान तरीका जो इंट्रोडक्शन लिखने का है वो है पैराफ्रेज योर आउटलाइन, मतलब जो जो आइडियाज़ आपने अपने आउटलाइन के अंदर दिए हैं जो भी आइडियाज़, उन सबको पैराग्राफ्स में वो सॉरी लाइंस में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करते करते आप उन पॉइंट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ बना दें, सारे पॉइंट्स को सीक्वेंस के हिसाब से एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दें, कंजक्शंस या जो भी आप वोकैब यूज करें। तो इजी मेथड इंट्रोडक्शन का यही है। अब ये एक मैंने एक इंट्रोडक्शन अपना आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ,
ये इंट्रोडक्शन भी मैंने एक सीएसपी ऑफिसर से ही चेक करवाया था और उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दिया था। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का एक क्वेश्चन था जिसका मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन है, अलीगढ़ मूवमेंट वॉज डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, इट वॉज एन अकेडेमिक मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब कि अलीगढ़ मूवमेंट जो थी उसमें पॉलिटिकल एम्स नहीं थे सर सैद के, बल्कि वो एक प्योरली एकेडमिक मूवमेंट थी काफ़ी हद तक। जो उसमें पॉलिटिकल एम्स थे वो काफ़ी बाद में आए, या वो काफ़ी बाद का स्टेप था। जो बेसिक उसकी रीज़न थी वो आपके पास एकेडमिक मूवमेंट थी, मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करना था मुस्लिम्स को सब कॉन्टिनेंट के। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इस टॉपिक को देखते जाएं और आप इस इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग देखें, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, नॉट बिकॉज द ऑपरेशन बट द लैगिंग एंड अपोजिशन टू द वेस्टर्न एजुकेशन। अब यहाँ पे मैंने अपना एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो प्योरली एक एजुकेशन की वजह से स्टार्ट की गई थी, क्योंकि जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट के वो अपनी गलतियों की वजह से ही पीछे थे। मतलब अंग्रेज उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहे थे, लेकिन वो पीछे इसलिए थे कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल नहीं की थी। यहाँ पे मैंने एक अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि एक एजुकेशनल मूवमेंट थी और उसका बेसिक रीज़न ये था। अब उसके बाद मैं अपने आर्ग्यूमेंट जनरेट कर रहा हूँ, मतलब जो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज थी सर सैयद अहमद खान की, उन्होंने वो तीन प्रेजेंट किए थे मुस्लिम्स को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आप ब्रिटिश से, उनके पॉलिटिक्स से दूर रहें और उनके साथ लॉयल रहें, और किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर ना करें, बल्कि एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें, ताकि जब आप उनके लेवल पे आएंगे, जब भी आप अपना मैसेज उनको डिलीवर कर सकते हैं और वो फिर आपकी बात सुन सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने पॉलिटिकल आइडियाज के साथ मैच कर दी, मतलब इधर उन्होंने बता दिया कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, और यहाँ क्वेश्चन में भी वो कह रहा है कि वो जो मूवमेंट थी वो डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज थी, मतलब उसमें कोई पॉलिटिकल एम नहीं था। तो इसको मैंने ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज के साथ रेलिवेंसीज की क्रिएट कर दी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब मुस्लिम्स के सामने उन्होंने ये पेश किया अपनी पूरी थ्योरी, तो उन्होंने पहले अपोज किया, लेकिन कुछ अरसे बाद मुसलमानों ने उसी पैटर्न को फॉलो करके, उसी ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज को फॉलो करके एक अच्छा अपना मुकाम बनाया और एज अ मुस्लिम स्टेट वो उभरे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तीनों चारों पॉइंट्स को मैंने ये 6 7 8 लाइंस में पूरा डिस्कस कर दिया। अब ये तो इंट्रोडक्शन है, जब इसकी बॉडी बनेगी तो हर एक पॉइंट ये एक अपने पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन इतना आपका कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए ये आपको काफ़ी है। उसके बाद कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में भी वही तीन चीज़ें हैं, थीसिस स्टेटमेंट है। अब थीसिस स्टेटमेंट में इसका प्रोसेस थोड़ा उल्टा है, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको थीसिस स्टेटमेंट लास्ट में देनी होती है, मतलब आपकी फाइंडिंग्स, कंक्लूजन में वो आपको पहले देनी होती है। जो भी आपने रिजल्ट फाइंड किया है अपना उस पूरे टॉपिक के हिसाब से, या जो भी डिलीवर किया है, वो आपको पहले देना है कि मैंने ये अपनी कंक्लूजन निकाली है, या ये रिसर्च बेस्ड मेरी नॉलेज है, या ये मैंने एनालिसिस इसका निकाला है। उसके बाद आप अपने सपोर्टिंग सेंटेंस जनरेट करते हैं जो आपके थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, और एंड में टॉपिक सेंटेंस, यानी इन दो चीज़ों की मदद से आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो टॉपिक सेंटेंस है वो बिल्कुल रेलेवेंट और कोहेरेंट है आपके टॉपिक से। तो यहाँ पे इस तरह इसका कंक्लूजन ख़त्म होता है, और ऐसे भी आपका ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी ऐसे के बारे में, और अब थोड़ा आपको शायद इजी भी लगने लगे, क्योंकि एक दफ़ा आपको पैटर्न पता चल गया है। तो प्रैक्टिस करें और पास करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज खान है और इस वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 4 है, मीन्स लेक्चर 4 है। लास्ट लेक्चर में मैंने इंग्लिश ऐसे का पेपर डिस्कस किया था, उसमें अभी भी काफ़ी लोगों को इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको आंसर कर सकूँ। और इस पार्ट में मैं इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर डिस्कस करूँगा। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर भी दूसरे पेपर्स की तरह 100 मार्क्स का ही होता है,
लेकिन ऐसे की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो पेपर आता है फेलवर का, वो इसी पेपर में आता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसका रेशो ऐसे के पेपर से भी ज़्यादा होता है कैंडिडेट्स को फेल करने में। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या क्या इसके क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो FPSC की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई किन रीजंस की वजह से इतनी ज़्यादा मेजोरिटी जो कैंडिडेट्स की वो इस सब्जेक्ट में फेल होती है। तो पहला पार्ट तो प्रेसी राइटिंग का ही है, कि जो प्रेसी राइटिंग एबिलिटी है कैंडिडेट्स की वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। मतलब कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि प्रेसी राइटिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं, उसके जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो फॉलो करने चाहिए प्रेसी के, रूल्स क्या क्या हैं, ये कैंडिडेट्स को चीज़ें नहीं पता होती, जिसकी वजह से अक्सर कैंडिडेट्स अपनी अच्छी प्रेसी नहीं लिख पाते। उसके बाद जो बेसिक रूल है प्रेसी का, वो ये है कि जो आपकी प्रेसी है वो थर्ड पर्सन या पास्ट टेंस में लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद पंक्चुएशंस का मसला होता है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होती हैं, कैपिटलाइजेशन के एरर्स होते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रेसी राइटिंग आपकी गलत हो जाती है और 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं कैंडिडेट्स की, वो फ्रेजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस की होती है, कि वो सही वर्ड्स और सही फ्रेजेस यूज़ नहीं कर पाते, जो अपनी पूरी मीनिंग दें उस पैसेज की जो जिस पे वो प्रेसी लिख रहे हैं। इसमें पहला नंबर सेंटेक्स का आता है। सेंटेक्स बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है जो एक प्रॉपर सेंटेंस बनाता है और पूरा सेंस देता है आपके पैसेज का। मतलब जो भी फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रेसी लिखते हुए, वो पूरा सेंस दे जो ऊपर पैसेज में बात की गई है, क्योंकि जो प्रेसी हमें लिखनी होती है वो अपने वर्ड्स में लिखनी होती है, जो ऊपर पैसेज है उसमें से एज इट इज हमें वर्ड्स कॉपी पेस्ट नहीं करने होते। उसका जो भी थीम है, जो भी उसमें आइडिया है, वो हमें समझ के अपने वर्ड्स में उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। उसके बाद फ्रेजियोलॉजी होती है, मतलब ये एक पर्टिकुलर मोड है एक्सप्रेशन का, कि जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरीके से आप अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, या जो भी प्रेसी के अंदर बात की गई है उसको किस तरीके से आप अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं, वो या तो एग्जैक्ट वही वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं जो ऊपर पैसेज में दिया हुआ होता है, या इस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ करते हैं जिसके मीनिंग वो सही डिलीवर नहीं कर पाते। उसके बाद एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स है, मतलब स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स का उनको ओरिजिन नहीं पता होता कि जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, उसको किस सेंस में यूज़ करना है और क्या क्या कंडीशंस हैं उन वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करने की। तो वो यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन सही जगह पे उनको यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो सेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाता है पैसेज का। इसी वजह से जो लास्ट ईयर रिजल्ट था CSS का, उसमें 92% कैंडिडेट्स इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए थे। 92% कैंडिडेट्स इस सब्जेक्ट में फेल हुए थे सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सही प्रैक्टिस नहीं की थी, उनको सही रूल्स नहीं पता थे, और यही एक मेजर फैक्टर है कि लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादा फोकस वो दूसरे सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को दे देते हैं और इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और ये पूरा पेपर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ये पेपर क्वालिफाई करें, क्योंकि इसमें कोई ऐसे टिप्स या ट्रिक्स नहीं है जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में कहा जाता है, क्योंकि इसमें टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये। उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लो है कैंडिडेट्स की, मतलब ग्रेजुएट लेवल की भी इंग्लिश नहीं होती, तो इसके लिए आपकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब जो भी आप पैसेज लिख रहे हैं या जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो कंप्लीट हो, उसमें एरर ना हो और ईजीली वो आप अपना मैसेज उसको डिलीवर कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश प्रेसिएंस कंपोजिशन के पेपर का, जिसमें ये 8 या 9 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें वोकेबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है और काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें
जो स्टार्टिंग में आप 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स की आपकी वोकेबलरी होती है जो एमसीक्यूज आते हैं आपके, जिसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स और 10 मार्क्स के एंटोनियम्स होते हैं। उसके बाद 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन है, 20 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग है और 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन है। तो 70 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए पूरे पेपर के। बाकी जो ये 6 पार्ट्स हैं ये सारे 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं और आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप यहाँ से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है इसमें मेजोरिटी जो है वो इसमें आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, जैसे ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, एनोलॉजी है, तो ये आपको सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। बाकी ऊपर वाली जो चीज़ है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ से अच्छा स्कोर ले लिया तो नीचे वाले पोर्शन को कवर करना इजी हो जाता है। इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स ये लिखी हुई है मैंने, ब्रेनन मार्टिन एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इसमें सारी चीज़ें कवर्ड है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करनी है, प्रेसी राइटिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है, या ट्रांसलेशन कैसे अटेम्प्ट करनी है। और इसमें पास्ट पेपर्स के भी आपको ईडीएम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो अब एक सैंपल देख लेते हैं पास्ट पेपर्स का कि पेपर किस तरीके का होता है। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन 1 है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है लेकिन पार्ट 2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें आपको एक प्रेसी लिखनी होती है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 120 वर्ड्स एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब अक्सर ये जो वर्ड्स के नंबर्स हैं ये हाईलाइट करते हैं कि आपको कितने वर्ड्स के अंदर आपकी प्रेसी लिखनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड्स ये हाईलाइट ना करें, मतलब ये नहीं लिखते कि आपको 120 वर्ड्स में लिखनी है, तो आपको 1/3 लेंथ पे लिखनी होती है पैसेज की। मतलब जो पैसेज गिवेन है, ये पूरा पैसेज जो गिवेन है इसकी 1/3 लेंथ पे आपको लिखना है, मतलब 33% आप की लेंथ होनी चाहिए प्रेसी की। फॉर एग्जांपल मैं इसको और ज़्यादा सिंपल कर दूं, अगर कोई पैसेज गिवेन है 100 मार्क्स का, क्वेश्चन पेपर में कोई पैसेज गिवेन है 100 मार्क्स का, तो आपको 33 वर्ड्स के अंदर अपनी प्रेसी लिखनी है। ये आपका 33% या 1/3 हो जाएगा अपने ओरिजिनल पैसेज का। अब यहाँ पर इन्होंने 120 वर्ड्स आपको डिफाइन कर दिया है, तो मीन्स कि आपको 120 वर्ड्स के अंदर अपनी प्रेसी लिखनी है। 5 to 10 मार्क्स का इसमें रिलैक्सेशन होती है, मतलब 5 to 10 मार्क्स आप इससे ज़्यादा या कम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा गैप ना हो, वरना वो लेंथ या तो इनकम्प्लीट होगी या एक्सीड कर जाएगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद प्रेसी को टाइटल देना होता है। अब किसी किसी क्वेश्चन में ये कह देते हैं कि आप टाइटल दें और किसी में नहीं लिखते, लेकिन आपको टाइटल हर हाल में देना होता है। अब ये एक पैसेज है, इसमें आपको ये पूरा पढ़ के समझ के और 120 वर्ड्स में इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपने वर्ड्स के अंदर। मतलब जो भी आप ये पैसेज पढ़ेंगे इसमें आपको एज इट इज कोई भी सेंटेंस या फ्रेजेस कॉपी पेस्ट नहीं करने, बल्कि इसको आपको अपने वर्ड्स के अंदर इसको पूरा ट्रांसफॉर्म करके अपने वर्ड्स के अंदर पूरी प्रेसी लिखनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको एक और पैसेज गिवेन है लेकिन इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, ये पूरा पैसेज आपको रीड करके इसकी पूरी ग्रिप बना के पूरा समझ के, नीचे क्वेश्चन के साथ ही 4 या 5 क्वेश्चंस गिवेन होते हैं जिनके आंसर्स आपको ऊपर पैसेज में से रीड करके लिखने होते हैं। इसमें हर हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, इसी तरह 4 मार्क्स कलेक्ट होके ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। अब ये कॉम्प्रिहेंशन जो है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको आंसर इस पूरे पैसेज के अंदर से ही फाइंड करना होता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपने देखा उसका आंसर इस पूरे पैसेज के अंदर कहीं ना कहीं होगा, वहां से आपको वो सेंटेंस या फ्रेज उठा के एज इट इज आंसर करना है। और जो सेकंड टाइप होती है क्वेश्चंस की, उसमें
वो आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा होता है कि इस क्वेश्चन में आपकी क्या ओपिनियन है या आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको अपने अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स के अंदर उसको आंसर करना होता है। पैसेज में से आप कोई भी सेंटेंस या वर्ड्स उसके नहीं लेंगे। अब ये रीड करके आपको जज करना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर पैसेज से निकलेगा या आपको अपनी ओपिनियन इसके अंदर देंगे। इसी तरह किसी कभी ऐसा होता है कि वर्ड्स की मीनिंग्स पूछ लेता है पैसेज के अंदर ही, और कभी ऐसा होता है कि वो चारों एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे इसमें इसने वर्ड्स की मीनिंग्स पूछ लिए, तो आप उस पैसेज में से उन वर्ड्स की मीनिंग आपको आंसर करनी होती है। जो कंपोजिशन में ये वाला जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का, इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है, वो ये कि जब हम ये पैसेज रीड करते हैं तो अक्सर समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें वोकेबलरी भी काफ़ी टफ यूज़ की हुई होती है और फ्रेजेस भी काफ़ी टफ होते हैं, तो अक्सर ये हमें फर्स्ट रीडिंग में समझ नहीं आता। तो इसका एक सिंपल सा मेथड यही है कि आपको इसको कम से कम 2 से 3 रीडिंग्स देनी होती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें। अभी बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर आपको 7 to 8 सेंटेंसेस गिवेन होते हैं, जिसमें आपको एरर करेक्शन करनी होती है। मतलब ये सेंटेंस आपको गिवेन है, इसमें किसी में वर्ब की मिस्टेक होगी, किसी में पंक्चुएशन की मिस्टेक होगी, किसी में ग्रामर की मिस्टेक होगी, किसी में स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, वो आपको पॉइंट आउट करके करेक्ट करके लिखना होता है। इसमें आप किसी भी 5 सेंटेंसेस को सेलेक्ट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, जिसमें आपको पंक्चुएशन का क्वेश्चन है गिवेन है। अब इसमें सेंटेंसेस गिवेन है, इसमें आपको पंक्चुएशन यूज करनी है। अब इसी तरह सेंटेंस में इन्होंने यूज भी की हुई है। अब जहाँ पे आपको मिसिंग लगे या गलत लगे कि आपको लगे यहाँ पे गलत यूज हुई है, तो आप उसको करेक्ट करके, या जहाँ पे मिसिंग पंक्चुएशन है वहाँ पंक्चुएशन पुट करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये दोनों सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें प्योर ऑफ वर्ड्स हैं, जिसमें आपको सॉरी एनालॉजी है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें आपको ऑप्शंस गिवेन है, आपको इनके मीनिंग समझ के रिलेशनशिप बनानी है नीचे वाले ऑप्शन से, और जो ऑप्शन मैच हो वही आपको टिक करना है। इसका 6th पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। इन दोनों में आपको 5 5 अटेम्प्ट करना होता है, मतलब कोई भी आप ऊपर से 5 वर्ड्स ले सकते हैं और नीचे से कोई से भी आप 5 सेंटेंस ले सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें आपको सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं लिखना है। यह आप बात का ध्यान रखिएगा कि डिमांड करता है कि आप इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके एक पैसेज का फॉर्म दें। मतलब ये जो सेंटेंसेस इसने लिखे हैं, एक पूरी टॉक लिखी हुई है, ये आप पैसेज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करेंगे, एक पैसेज एक पैराग्राफ के फॉर्म में ये पूरी इनकी कन्वर्जेशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है, क्योंकि सेंटेंसेस में तो हम इजीली कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट में, लेकिन जब पैसेज में कन्वर्ट करने की बात आती है या पैराग्राफ में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो अक्सर कैंडिडेट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो सॉलिड मार्क्स आपको दे सकते हैं, जैसे एरर करेक्शन है, पंक्चुएशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इजीली आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं अगर आपकी अच्छी ग्रिप है इन क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स है, जिसमें आपको पेयर गिवेन है वर्ड्स के, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको इनकी मीनिंग समझ के और सेंटेंस लिखने होते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट वर्ड है एडवर्ब्स और उसका पेयर इन्होंने बनाया है अवर्ब्स के साथ, तो इनकी मीनिंग आपको पता होगी तो आप ये इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर मीनिंग नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें हमें सेंटेंस लिखने होते हैं। तो अगर सेंटेंस ने वो मीनिंग नहीं दी तो वो जाहिर सी बात है आपके सारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें भी आपको 5 वर्ड्स और ये पेयर ऑफ वर्ड्स करने होते हैं। उसके बाद पार्ट बी में ईडियम्स गिवेन है, जिसमें आपको 5 ईडियम्स सिलेक्ट करके कोई से भी और उनके सेंटेंसेस लिखने होते हैं।
ये सारे आपके वो चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ये जितनी वोकेबलरी की जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स है, एनालॉजी, ये इडियम्स हैं, ये वो सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन का, उसमें इस तरीके का आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है उर्दू में, जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, और ये डिमांड करते हैं कि आप जो एक्सप्रेशन यूज करें वो एडियोमेटिक या फिगरेटिव होनी चाहिए। मतलब आप जो पैराग्राफ कन्वर्ट करें इंग्लिश में उसमें आप ईडियम्स यूज करें और ऐसी एक्सप्रेशंस यूज करें जिसमें ईडियोमेटिक टच हो, मतलब सिंपल कन्वर्जन उनको नहीं चाहिए कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दें, नहीं, उसमें आप ईडियम्स का यूज ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि आपका जो पैसेज है वो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और खूबसूरत लगे। तो ये पूरा पेपर इस तरीके का होता है, ये क्वेश्चंस आपने देख लिया, आपको समझ आ गया होगा कि पेपर किस तरीके का होता है। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट किस तरीके से की जाती है। कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी आप कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। तो उसकी प्रैक्टिस तो आपकी रीडिंग से ही होगी, जो आप प्रिपरेशन के टाइम में जितना भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे या मैगजीन्स पढ़ेंगे उससे आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाती है रीडिंग की तो ऐसा भी होता है कि जो वर्ड्स जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता होती, तो रीडिंग जब एक फ्लो में चल रही होती है तो उसकी मीनिंग हमें आगे पीछे सेंटेंसेस से पता चल जाती है, जो उस वर्ड्स के आगे पीछे फ्रेजेस यूज किए हुए होते हैं उससे हमें उन वर्ड्स की मीनिंग पता चल रही होती है, उनका सेंस पता चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम उस पूरे पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी काम आएगी। जब आप रीडिंग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस आते हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता होती या समझ नहीं आ रही होती, तो उसमें घबराने की बात कोई नहीं होती। आप वर्ड टू वर्ड पूरा पैसेज रीड करें, फर्स्ट रीडिंग देने के बाद आप क्वेश्चंस उसके रीड करें, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस रीड ना करें वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, हम उसके आंसर ढूंढने लगते हैं ऊपर, तो ये मिस्टेक ना करें। पहले पूरा पैसेज जो गिवेन है उसको रीडिंग दें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो नीचे गिवेन है वो पढ़ें, और फिर दोबारा आपको कम से कम 2 से 3 दफ़ा उस पैसेज को रीडिंग देनी है। क्योंकि फिर जब आप एक दफ़ा रीडिंग दे देंगे, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप 2 दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे उस पैसेज को, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पूरे पैसेज में दिखने लगेंगे। फिर जो भी आंसर्स आपको लगें कि ये क्वेश्चन का आंसर है आप उसको अंडरलाइन कर देना या रफ एक पेपर के ऊपर लिखते जाएं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं या स्टार्टिंग लाइंस है वो रीड करना और कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टॉपिक सेंटेंस में फिर बॉडी में जो उसके सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होते हैं उनसे आपको पता चलता है कि जो पूरा पैसेज है किस चीज़ की बात कर रहा है, या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, या इसका मेन थीम क्या है पूरे पैसेज की। तो जब आप स्टार्टिंग से ही अपनी एक ग्रिप लेके चलेंगे तो आपको पैसेज रीड करने में और कॉम्प्रिहेंड करने में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन लाजमी है कि आप कम से कम 2 से 3 रीडिंग्स उसको ज़रूर दें, और क्वेश्चंस पहले ना पढ़ें, पहले पैसेज पढ़ें फिर क्वेश्चंस पढ़ें। क्योंकि उसके बाद जब आप तीसरी या दूसरी रीडिंग देंगे पैसेज को तो आपको अपने आंसर्स उन क्वेश्चन में दिखने लगेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्पीड में पढ़ने की, मतलब स्पीड से मुराद ये कि अगर आपने आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस है तो एक रीडिंग में ही आपके थॉट्स क्लियर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और आपको बार बार वो चीज़ समझनी नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर हमें क्या नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि क्वेश्चंस पहले ना पढ़ें, पहले पैसेज पढ़ें। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक्स करते हैं कैंडिडेट्स वो ये कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं और कोई बीच में सब वर्ड या फ्रेज आ गया जो जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता है, समझ नहीं आ रही, वो हम बार बार सेंटेंस पढ़ते हैं, एक सेंटेंस पढ़ा फिर पिछला सेंटेंस दोबारा रीड करना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़े से आगे हम बढ़े फिर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका हमें मतलब नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस्टेक ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा
और जो बात होगी वो भी आपके समझ नहीं आएगी पैसेज की, और इस तरीके से आपकी घबराहट भी बढ़ती जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, और ये पूरा आपका क्वेश्चन इस वजह से गलत हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप पहले रीडिंग जो दें वो कंप्लीट दें, इनकम्प्लीट रीडिंग ना दें, और सेंटेंस उसको बार बार रिपीट ना करें। और ये सारी चीज़ें सिर्फ जब भी आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब आप प्रिपरेशन पे घर में इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो इस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाता है, मतलब एक नॉर्मल टाइम, वो है 45 to 50 मिनट्स। 45 to 50 मिनट्स इस क्वेश्चन को अलोकेट किया जाता है, जो एक नॉर्मल एवरेज टाइम है। इतने मिनट्स के अंदर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम एक्सीड करता है तो फिर आपका टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद प्रेसी राइटिंग है, इसके भी कोई ट्रिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन भी टोटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रेसी जो है ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि जो भी पैसेज है आपको उसको प्रिसाइज करना है और एक्यूरेट करना है अपने गिवन लेंथ के अंदर। अब जो भी आपको पैसेज गिवन है उसके तीन दो से तीन सिंपल बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और आप अच्छी प्रेसी लिख लेंगे। जिसमें पहली चीज़ तो ये होती है कि जो भी पैसेज गिवन है उसकी 1/3 लेंथ के ऊपर आपको प्रेसी लिखनी है, और उसका एक सूटेबल टाइटल देना है। इसका भी जो अटेम्प्टिंग पैटर्न है वो भी कॉम्प्रिहेंशन की तरह सेम है, जिसमें आपको 2 से 3 दफ़ा उस पैसेज को पढ़ना है ताकि एक क्लियर आइडिया हो सके कि पैसेज किस चीज़ की बात कर रहा है। उसके बाद जब टॉपिक जो हम टॉपिक देते हैं किसी भी पैसेज को या किसी भी प्रेसी को, टॉपिक सिलेक्शन तीन चीज़ें मदद करती हैं टॉपिक सेलेक्ट करने में। एक तो उसका फर्स्ट सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है वो, उसके बाद बॉडी में एक दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टॉपिक हिट कर रहे होते हैं उस पैसेज को, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये तीन चीज़ें मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो पूरा पैसेज है किस चीज़ की बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करना या कोई भी टॉपिक देना।